तो सब देखनियों स्वागत छु। हम छा कुमाऊनी शब्द संपदा पेज में, फेसबुक पेज में, और यह पैनी जो यो मेरे पछाड़ श्रृंखला में बातचीत चल रहे, उमें यो आज 7वां एपिसोड छुस। और यह पैनी देवेन मेवाड़ी जू, लवराज धर्मशक्ति जू, और डॉक्टर रेखा उप्रेती, भूपेश जोशी, विमल पुनेराजू अपन बात धर रहा है। और जो कुमाऊनी शब्द संपदा के मंशा छे, यो छे कि हम कसी कले अपने जो पहाड़ी भाषा छे उमें बातचीत करूं, और यके अपनों अचानक हम देखनु कि सब लोग यूट्यूब में चैनल बनानी या फेसबुक में तरह तरह का लोक संगीता प्रति काम करनी। तो हमेर मंशा यो छे कि हमें अपने भाषा के पैनी सब्सक्राइब करूं, बाद यो चैनल वगैरह उनको सब्सक्राइब करूं। तो यही कड़ी में आज हमारे दिगार छन सम्मानित पुष्पेश त्रिपाठी जी, आपू पूर्व विधायक छा दोराहाट बे, और अपन पछाण एक राजनीतिक व्यक्तित्व है। ज्यादा यो छे कि अपनी बोली भाषा, अपन संस्कृति, अपन लोग, अपन रीति रिवाजों दिगड़ अपन एक दिली वास्ता छू। तो यो बातचीत का हम शुरू करने हैं, और देखने वाले जो लोग हल वो अपन जो कमेंट छन नू कर सकनी। तो हम जब ले कई पहाड़ आदिम दिगड़ बात करनू, उसी तो सार्दुनी में सार मनखियों के एक महत्वपूर्ण बात यो है कि वी के जो याद है वो अपन बचपन है जुड़ी है, और वो बचपन भी जीवन में हमेशा चलते रहूं। तो बचपन भी शुरू करनू त्रिपाठी जू, दोराहाट बिल्कुल बिल्कुल में, बिल्कुल दोराहाट में वो मुलुक में पछिल लगर चाह था आपू, कौश छे अपन बचपन, कस स्कूली शिक्षा भे, थोड़ा मंजर का हमारे श्रोता दर्शकों को बताओ। जातले पुरान स्कूली शिक्षा के बात छू। उमे उस जमान में हमारे सभी प्राइमरी स्कूल थी, और एक हमारे या एक नई स्कूल खोलो हमारे डगसेप थे। वो जो पहल डॉक्टर आई पलादी जू, उनर घरवाई थी श्रीमती पलादी जू, उन्होंने एक स्कूल शुरू करो जिसमें हमारे बाजारक सब लोग सौजी लोग छी, हमारे मंदो मैडम छी, वो सब लोग मिल बेर दूनागरी मॉडर्न स्कूल, उस टाइम ऑफ कॉन्वेंट स्कूल हमारे छी। जो कौन है कॉन्वेंट बात छू? यह लीजिए, यो अब मेरे जन्म छू 1980, 8 जनवरी अच्छा 1980 भी है, एक आध साल पहली है सबको खुलनल स्कूल, एक आध 20 साल पहली, लेकिन हमारे शिक्षा वह में है। और तब मान्यता वगैरह की नहीं होची, हम लोग इंतजार नहीं हो, 5 होक बोर्ड होची, 8 होक बोर्ड होची, वो लीजिए केदारा स्कूल में और छतना खाओ, हमारे एक जूनियर हाई स्कूल छी वहां जी। लेकिन स्कूली शिक्षा के जहां तक सवाल छू, इतना अंतर छी हमारे पबक हमारे प्राइमरी स्कूल और यो जो हमारे अंग्रेजी माध्यमिक स्कूल जो कुनी आईले उसे छे, आईले बहुत सारी अस किस्म अंग्रेजी स्कूल खोलनी, उमे जो हमारे प्राइमरी स्कूलों में ABCD वो कक्षा 6 बटी शुरू हो ची, और हमको कक्षा 1 बटी ABCD हमारे स्कूल में सिखाई जी छी। तो ये तो अंतर जरूर छी, और मगाए सब चीज एक समान एक नसब है। तो स्कूल लाख दिनों जहां तक सवाल छू, जैसे हमारे जो एल में महसूस करनू, वो नानतिनाक बचपन, चाहे आज 20 साल पहले की बात छी, चाहे आज 50 साल पहले की बात छी, सबू के एक हिसाब छी। बस आज अंतर इतु है वो, पहली में लोग कतु किस्मत बातचीत कर छी, कतु किस्मत नानतिन खेल कर छी, वो टाइम पर कोई यो नहीं कोची किताब पढ़ो, घर बैठो अंग्रेजी सीखो, यस करो, कंपटीशन का जो दौर है वो उस जमान में के चिंता नहीं छी। राति में ब्याह तरह खेलण कूदण काफो खान हिसाब खान इमेजी हमारे टाइम सकर जैसी, और हमारे खेल ले आजकल क्यों जो हाईटेक हमारे नंतिन है गई पैद ही बाद सिद्ध उनर हाथ में जो यो जेल हम तुम बातचीत करो यो जो माध्यम यो उनर हाथ में पैद ही बे दुहार दिन में उमे गीत इमेजी दिखोनी नंतिन जैसा जेल डाल मारी उनको, नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए, मुखागरी कगड़ी याद नहीं है, लेकिन यो फोन में जो से सब आजकल उनर सामने धर दी जा, हमूल जे डाल मारी जब दी मत्ते एक जरूर लगछी इस बाबू या घर में जोले सया छी, एक फुल परिवार होछी संयुक्त तो, हालांकि हमर परिवार आइले संयुक्त तो परिवार छु, फुल परिवार छु, या नंतिना के देखने के चाहने के चिंता नहीं, लेकिन उस जमान में
इस बाबू पर की जिम्मेदारी नीचे और सब लोग घर में काका काकी चचा चाची ताऊ ताई और इष्ट मित्रों बाबू बुआ तमाम सार लोगों को और जान लागी रोची तो जो ठुल पारे परिवार परंपरा छी हमार असली शिक्षा हमार असली एजुकेशन उट पुनर्माध्यमल है स्कूली शिक्षा तो यो अक्षर ज्ञान से लेकर जो किताबी ज्ञान हमर छू मैं कह सकूं आज टाइम में हिसाब उतू तले सीमित छी और वो आपन हिसाब आपन समय हिसाब बहुत बहुत छी लेकिन जो सामाजिक ज्ञान सोसाइटी ज्ञान हम कहा रोनू कसी रोनते हैं भल में कह कोनी वो संस्कार उस चीज जो हमारे संयुक्त परिवार मिलछी वो आज टाइम पर देखना मुश्किल है गो जो आत्म केंद्रित हमारे जीवन आज है गो आज अपन दूल अपन अपना दूल्हा अपना चूल्हा वाला हिसाब जो है वो भी हमारे यह सिस्टम बहुत बिगाड़ है तो नांतिना उस वो अपन पर जब हम लागू कर लो तो हम ये सोच लू कि आज नांतिना जो आत्म केंद्रित और जो बहुत सारी चीजें होनी वीक लीजिए बहुत जरूरी छू कि हमारे आपसी तालमेल और परिवार दगे एक प्रेम भाव बही रहो वही हमारे स्कूली शिक्षा को या उस टाइम असली शिक्षा हुई छी। अच्छा यह बात का हम फिर बात करो कि संयुक्त परिवार में एकांकी परिवार है हम जने और तकनीकी परिवर्तन जो नहीं ये बार मैं फिर बात करूं हम नरय स्वरूप यह जानना चाहूं कि दुरहटा नाम जब ले ली जा तो लोगों जुबान पे हो ओ भिना कसके जानू दुरहटा तो शल दे बिखौती म्याव वाक बड़ प्रसिद्ध छो तो म्यावे कोई फार्म म्यावे फार्म के समृद्ध स्मृति तुम्हें देखो मेल मेल तो हमारे हर साल हमारे जीवन तो जो आजकल हमारे जो मनोरंजन का साधन है वीक तुलना में देखी जाओ वो सब जो हमारे मेलक मुख्य रूप से है वो टाइम पर जब नंचना हम लोग मेल में जाए तो सब है बेर हमारे लीजी मेल में कौशरो केहरो वही है बेर ज्यादा हमारे मतलब हो ची जो वहां डमरू होनी जो हमारे पिपिर बाजनी जो पिपिर वाल लेनी और जो गुब्बारा लेनी गैसा गुब्बारा हो ची और जो सब है महत्वपूर्ण जो हमारे जलेब खान वो हमारे असली नंतिनाग हमारे मेल छी और वी बात है धीरे धीरे जो समझ जलेब मैंने जलेब और जानते अब जो हम सब चीज देख लो अब हमारे असली आयल है जो पूर्व उत्तराखंड में जाग जाग हमारे म्याल ठहल होनी उनमें मुख्य आकर्षण हमारे जलेबी छो आयल है वो हमारे पूर्व त्यारे मिठे जो शालदे बिखोती मेल खैर एक बहुत बड़ हमारे ये इलाकों को त्यार छू जिसमें जो मैं पूर्व न केवल हमारे इपना गौनों लोग बल्कि जो बिहार पनले छी जैसे लॉकडाउन में गौनों गौनों में मेल लाग रहा उसे मेल गौनों गौनों में लाग जी छी और पूरा घरों की साफ सफाई वेल भी साथ परंपरा जो हमर संस्कृति छू वो हिसाब से लोग अपन तैयारी करनी लेकिन जो नंतिना लीजी विशेष चीज छी वो हमारे मेल जो मुख्य आकर्षण जहां कह सकनु वो हमारे लीजी इतको अच्छी कि जो छठ मठ हमारे खिलौन होनी वो पुआ कबीर बाजनी जो बात छे वो और आई ले कबते कबते हर साल जो ये मेल में जब हम लोग जानो द्वि बाज में जरूर खरीदू द्वि तीन जतु है वो घर है बेर बाट में वो अब रोड पर सकन नहीं बजे सकन आप शर्म ले है लेकिन जो सड़क में मात्र हो घरों बाट हो मैं भी चार बखत जरूर वो बाज को फूक लू तो ये मुख्य रूप जो हमारे नंचिना ज्ञात है ये बहुत महत्वपूर्ण ले छे और सजोई हुई ले छे इनको ज्यादा कही नहीं जा सकत मैं हमूल शायद मेल में जो ये सब चीज हमूल कर राखी हूँ आज तले कहे कहले नहीं राखी आज तले ये तुम्हारे माध्यम में आज पहल वक्त यो विचार जनिया बीच में जतु जनी ले देखा लो ना बीच में यो जा रहा हूं तो ना यहाँ आपको अपने दिले बात कर सकता किले की पहाड़ एक एक बहुत पावन चीज छो हमर लीजी और यहाँ कोई यस दबाव ना थे यस कोई शर्त ना थे आपको जी मन हो आपको वो कह सकता बिल्कुल बिल्कुल अब मेले को और नंतिना लीजिए या हमारे लीजिए जब छठ थी तो यह है फिर शकर और बातचीत के कर सकते हम नंतिना मुख्य आकर्षण हमारे मेलो जो मेल कॉल है यो चीजों लीजिए मुख्य रूप से होची हो इतु जरूर छू कि हम लोग जो दरहाट में एक माखनी देखियन यो अप्रैल महीने में जो गर्मी महीने हो शुरू हो
उमे अचानक से यो जैसे तिल झड़नी तिल, उससे लोग हजारों संख्या में एक दिन में कॉमेडी है गई, ये एक आश्चर्य हमली जी बहुत छी। और धीरे धीरे जब वो त्योहारों महत्व समझ में आया, जब वो मेलो समझ महत्व समझ में आया, तो आज लागू की फिर ले आई ले वो हमार लीजिए के जो सब लोग जो ले होनी उन्हें लीजिए एक आकर्षण छू और एक तुलना किस छू कहने जरा फूल भी रह गई तो मैं ये शालदे का बिखौती का मेल लाग रहा हूँ, शालदे का मेल लाग रहा हूँ। तो यश किस्मत जो किस्स बढ़नी वो हमारी घटनाक्रम आधार पर कही जानी और फिर आगे बढ़ते रहनी, तो ये सब चीज है। वर भेटने रस्म वो सब लोग जानी, तुम लोग सब जानने था वर भेटने रस्म, और फिर हमारे लिए किस कहानी एक राज वहां छी एक राज वहां छी दी सेनाओं गड़े है, तो यो बार बार पूछो कि छले कर छी हम आम हो बुब हो, तो ये सब चीजें चलते रहे आज के लिए। जी तो हम बातचीत कर रहे हैं जो श्रोता दर्शक हम उदिगर जोड़ नहीं हल्ले उनको हम बता देने की कुमाऊनी शब्द संपदा पेज पर आप आज मेर पहाड़ मेर पछाण पुष्पेश त्रिपाठी जी पूर्व विधायक और आप संस्कृत की अपन भाषा में आप लगाव छो, तो बातचीत का हम फिर जारी धरनु। तो फिर हम लौटनु स्कूली शिक्षा की तरफ, तो वहाँ कतु नजदीक में स्कूल छी और कतु जाने स्कूल छी, जैसे 5 जाने छी प्राइमरी विवाद अब कहाँ पढ़ने लीजिए गच्छा, और आसपास में जो पढ़ना धरती या पढ़ना का प्रचलन छी, चेलों का पढ़ौना का प्रचलन छी, चेलियों का पढ़ौना का प्रचलन छी, वो मंजर कहें जो 85-90 में आप देखो वो कह हम जानना चाहूंगे। अब 85-90 मंजर तो मैं वो टाइम हिसाब से नहीं बता सकन कौस माहौल छी कौस के झी के लेगी उवत मेले नाने भयो उवत मेरले मन काम पावन में लाची मेरले मन उछाव मारो हूं खेलो हूं कूदो हूं लाची। लेकिन जान तले जो तुम सवाल कहो कि या बटी नानछिना 3-4 साल की 4 साल है उम्र में जो हम लोग स्कूल पढ़ो गयो 2-2.5 किलोमीटर हमारे स्कूल योवाल छोटवाल स्कूल हो ची, और भी बात 3-3.5 किलोमीटर हमारे पांचा बादक स्कूल जो हमारे गवर्नमेंट स्कूल को नहीं, और जो सब है महत्वपूर्ण बात छू जो तुम कॉल है माहौल कोसी माहौल हिसाब कुमाऊ मंडल में नैनीताला बाद गोरहाट शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण केंद्र रहो, किले की जो हमारे गोरहाट इंटर कॉलेज छू मिशन इंटर कॉलेज उको बड़ी आज करीब करीब 135 साल है गई। जब नैनीताल में यो जो स्लाइड आज हमें फ्लैट बनो वहां जो पादरी थी जब वहां वो चर्च खत्म है गई थी तो वो द्वारहाट आए, और द्वारहाट ये लीजिए आए के लिए कि हमारे जो भूमिका और थी जो नैनीताल में पुराना जमाना जो तू फुल फुल कोठी बन रही अंग्रेजों का जमाना वो भूमिका औरुल बड़े रखी और भूमकी और हमारे प्रसिद्ध और भाई, तो उन्होंने एक रिश्ता बन गए। तो द्वारहाट जब आया जब या उन्होंने हमारे वो टाइम हाई स्कूल द्वारहाट हाई स्कूल जो है इंटर कॉलेज छू वो स्थापित करो मिशन इंटर कॉलेज जो है कौनी, और वहाँ न केवल हमारी इलाका के लोग बल्कि वहाँ 2 हॉस्टल हो ची कुमाऊ गढ़वाल हॉस्टल कुमाऊ लोग है कुमाऊ हॉस्टल और गढ़वाल हॉस्टल में एक हो ची, तो गढ़वालक नंतिन में वहाँ पढ़ो हो ची, तो इतना फुल शिक्षा केंद्र हमारो द्वारहाट मिशन इंटर कॉलेज रहो, और 135 साल पुरानी जहाँ एजुकेशन सिस्टम रॉयल हॉल वहाँ हम लोग सोच सकूं कि एक पढ़ना लीजिए एक भल माहौल बनाओ, और वीके वील आगिला जो हमारे जो एक द्वारहाट एक जैसे हमारे अन्य कस्बे छे वही हिसाब हमारे एक छोट बाजार छोट कस्बो रहे जो छोटा सा जो मैं हाट गो हमारे बीच में छू, और धीरे धीरे काफी लोग यहाँ जैसे हमारे देरी गो छू प्रसिद्ध छू भूमकियो गो जहाँ बटी हमारे बहुत लोग शिक्षा क्षेत्र में आज छे कोला और यो तमाम इलाक जो नजदीक के इलाक छे, और वीक बाद फिर जुड़ते जुड़ते धीरे धीरे जो हमारे केदारनाथ बद्रीनाथ पैदल मार्ग छू वहां बटी लगी हुई गो पूरा या बटी द्वारहाट बेलीवेर चौखुटिया इलाका और चौखुटिया बेलीवेर फिर आगेला है गैरसैन वाल बाट में हमारे पहली पंडवा खाल पड़ो फिर मेहल चौरी और फिर भी उदात कर्ण गैरसैन कर्ण प्रयाग यो इलाका के लोग ले हमारे पूरी यहाँ पढ़ो अच्छी जो गढ़वाल हमारे गढ़वाल हॉस्टल ये लीजिए स्थापित छी, तो पढ़ो एक बहुत भल माहौल छी यो कह सकू, और वो टाइम एजुकेशन में आज ले लोग एक मिसाल दिनी कि हमारे वो जो हमारे शिक्षक छी हमारे जो गुरुजी छी
उनार जैसे हमार ताऊजी कई कतु बखतु किस्से सुनोनी घिंगारू घिंगारू लठ रोची हमार उटेना उन्नत शिक्षकों हाथ में और जेल जरा सा केले लापरवाही करी तो यश किस्मत सजा मिल ची। आज वो लोग सब लोग बहुत भाल जाट पर पहुंची लोग छे डेयरी गांव में कम से कम एले वर्तमान समय में उनार पुरखो लीवे कम से कम छह या सात आज हमारे गांव में कुल आठ या नौ आईएएस करीब करीब पूजी हुई छे। सीएमडी गेल अल्ले कुछ समय पहली डीसी तार जो रिटायर है रही तो ये उसके इसमें एक शिक्षा माहौल चाहिए। केवल एक आध उदाहरण में देने हो तो शिक्षा लीजिए एक आदर्श स्थान ऊ टाइम हिसाब और फिर भी बाधक माहौल में इंजीनियरिंग कॉलेज विपिन त्रिपाठी कुमाऊं इंजीनियरिंग कॉलेज द्वारा हाट जो हमारे स्थापित हो 90, 80 और 90 दशक का बीच में और वी बात डिग्री कॉलेज पॉलिटेक्निक यह सब कुल मिले फिर शिक्षा लीजिए यहाँ लोग सबूल मेर बेर एक संघर्ष ले बहुल करो और संघर्ष हिसाब से भी परिणाम ने आज देखने को मिलनी आज हमें अल्ले जो भी धोकार लग रही जब तुम ऑनलाइन शुरू है थी त्रिपाठी जी मैं थोड़ा रोक नहीं यो बात का हम फिर जारी रखन हम यो जानन चाहूं कि आपुल हाई स्कूल दोराहाट बे करो विवाद फिर आपु थोड़ा निजी याद आपु निजी याद हाँ दोराहाट में हाई स्कूल में पूरा इंटर इंटर तले शिक्षा में दोराहाट में है और फिर ग्रेजुएशन करो स्नातक करो नैनीताल डिग्री कॉलेज में कुमाऊं यूनिवर्सिटी नैनीताल में बीएससी और एमएससी करो तो द्वाराहाट में जो हाई स्कूल और इंटर में हमारे उठे मार सब लोग हमारे हो ची एक पढ़ाई माहौल बहुत बेहतरीन माहौल ची हालांकि बहुत ज्यादा अंतर आज हमारे सरकारी शिक्षा में नहीं है जो मैं उठे मार कल्पना कर लू तो एक भल माहौल भल सिस्टम उस टाइम पर हमको जो शिक्षा मिल ची वीकली जी कह सकते कि एक आदर्श माहौल में हमोल अपन शिक्षा ले द्वाराहाट में इंटर तक शिक्षा जो तो जब हम कॉलेज में पढ़ लू तो हमार जो दिल छो दिमाग छो वो सपनों भरी रहो हम सोचते कि हम यो कॉलोनियस करन उस करन तो आपू की सोचा जब कॉलेज पढ़ता कु क्षेत्र में जला की करला की दिमाग में ओछी देखो अगर साफ गोई लग रही हो बात के कही जाओ तो जो हम जस किस्मत हमर माहौल रो उमें हम लोग ग्रेजुएशन करिया बात चले या तय नहीं कर सकती कि हम को दिशा में जो हमर माहौल उस कभे रहे ने जब एमएससी है गए तब हम सोचन शुरू करो कि आज हम जब हम हाई स्कूल बाद इंटर में गयो हालांकि मैं शारीरिक रूप से बड़ा बहुत कमजोर रहो पेट ले कच्ची थी मैं एनडीए इम्तिहान ले दी मैं अच्छा। उस टाइम पर और जो सीपीएमटी पीएमटी जो ये एग्जाम होनी मेडिकल आ गुले दी मेरे बायोलॉजी ग्रुप रहो थी तो हर वो चीज पॉलिटेक्निक को इम्तिहान दी जो जतु किस्मा को कंपटीशन उस टाइम पर जेल जस बताए उस हम करती एक लक्ष्य तय जानते मैं सोच लू मेयर के हमार दगे और लोग ले जो होची उन्होंने बहुत कम यश किस्मत बहुत कम एक या दी हमार दगड़ी होनाल जो यह तय कर छी कि हम या जोन हाँ इतु जरूर छू हमार दगे रोनी बहुत सारे लोग जो हमार दगे कम से कम जो 11 बार में पूछ जा छी उन्होंने एक लक्ष्य जरूर हो छी कि हम फौज में जोन तो वीक लीजिए वो आपन हिसाब से जो माहौल छू तैयारी कर छी दौड़ लगोन और इत्यादि वल्ला पल्ला हमार शारीरिक क्षमता इतु मजबूत नहीं छी कि हम लोग उले कर सकछी नतर के पत्ता हम उले कोशिश करें कि फौज में एक वक्त जाने ट्रायल कर छी क्योंकि लगी वो भावना ले हो छी उस टाइम पर जब हमारे कोई आर्मी गाड़ी और यश किस्मत कोई सब लोग जाची झंड लागी और कान भाई जब जाची हुआ तो हम लोग ठाड़े हुए जय हिंद सड़कों में कूल लाग जाची खैर तो कुल मिले फिर उस टाइम पर यश के लक्ष्य तय नहीं थी और खास तौर पर जब हमर 11वीं 12वीं जो टाइम आ उस टाइम पर उत्तराखंड आंदोलन बड़ चरम पर थी और हमर स्कूलों में रोज घंटी बजो हो जो स्थानीय आंदोलनकारी हमारे डिग्री कॉलेज छात्र संघ हमारे ठुलदार लोग होची वो सब लोग हमारे घंटे और हम लोगों को इंतजार हो जब एक दिन दो दिन घंटे बाज गए तो आज घंटे कबत बाजो तो यह किस्म माहौल हुआ हो और आज जब हम लोग नैनीताल गए तो रोजे एक काम रहो बिशन सिंह मेहता जी हमारे गुरु जी थी पढ़ाई लिखाई एक तरफ और रोज हमको टाटा टुकड़ और लक्ष्य दिवे अब इनमें मसाल बनो छो आज जहाँ हूँ मसाल जुलूस छो नैनीताल में तो ये किस्मत माहौल रहो तो एक लक्ष्य जो तुम कहो लक्ष्य हिसाब
लक्ष्य हिसाबे कोई हमर कम से कम ग्रेजुएशन तले तो कोई लक्ष्य नहीं थी। अच्छा, हाँ, जा बाइट मिल हम जब कॉलेज बात आपको बताना चाह, एक तरफ आपको पढ़ाई करना चाह, एक तरफ आंदोलन चल रहा थी, तो दोराहाट हम नाम लेनू तो विपिन त्रिपाठी जी का नाम ले जहन में जरूर हूँ। तो सिद्ध तौर पर जो सामाजिक आंदोलन की फ्रंट लाइन में थी, तो अपन आजूक जो आपको देख काम करना थी विल आपको कब प्रभावित होना चाह। देखो उस टाइम पर प्रभावित होने के क्या मतलब नहीं थी, उस टाइम पर बस ये थी कि हमारे बाबू करनी तो हवा लीजिए, जब हम कक्षा 8, 9, 10, 11, 12 में पढ़ी उस टाइम पर प्रभावित होने के उस किस्म की बात नहीं थी, क्योंकि की उतु गंभीरता को या उस किस्म की उतु गंभीरता तो हमें उस टाइम पर नहीं थी। ये तो जरूर थी कि हमारे बाबू जातले सवाल छू कई कम से कम महरों महरों में जो दर्शन हो चाहिए हमको ऐसा लग चाहिए मैं सब यो घर को है, हालांकि पछाड़ छे लेकिन एक भावना है कि यो मैं इसको छे केले की हमारे बाजू कुट्टी खूब छो हमको, और जिस दिन घर गया उस दिन डरा मारी हालत खराब हो छी, सब हमारे बस्तले ठीक है जी छी, उस दिन कॉप किताब ले ठीक है जी छी, केले की 2-3 महीनों में एक दिन हो छी जिस दिन हमारे कॉप किताब चाहिए जल काम कर रहा खो नहीं कर रहा, बल्कि मगर एक दिनों किससे आ छू शायद ये सब 5-6 में पढ़नी उस टाइम पर दो लाग रहा थी, क्योंकि सज्जन पढ़ थी उस टाइम पर दो लाग रहा थी जो बाट बटे जसमेल को की 2-3 किलोमीटर हमारी स्कूल होने वाला है, तो बाट बटे जो तू मकानों बंधार लाग रही थी वो बंधारों में आप झोल के भरने जाए जब मैं कॉपी जैसी किताब ले थी, और फिर लास्ट में अभी यो पत्ती नहीं थी कि आज बाबू घरे गई, आज बाबा घरे गई तो आप घरे बंधार में आखिरी में वो वस्तु भरी गई, और या बे माध बे जो हमारी ये दिखन सा खिड़की हो ये से खिड़की अभी छूप पुराने लेकिन अब एल नहीं बन गए, तो मैं या बे झांक बेर चेर आए और जैसे भतेर गए वहां पुछड़ पाछड़ एक तरफ रहे बस्ता दिखा कौन सा, जब बस्ता देख बेर बस्त में जो आप जब बंधार लग रहे हैं कॉप किताबों में तो तुम कॉस कॉपी किताबों का हाल है ना, तो उसे उल्ट लटकाई गई है खिड़की पे खुटा को पकड़ बीच और क्या तो हो काक काक ने वो कॉप किताब मंगे बेर वो जतु दिनों काम हनोल ब्याह हो सर साइंस से विज्ञान है कॉप मगर विज्ञानों की यह लीजिए याद छू और वो बिल्कुल भली गए याद छू विज्ञान है कॉप में और सब्जेक्टों नहीं विज्ञान है कॉप में यह लीजिए याद छू पूरा सौर मंडल बनवाई गई पहल पेज में विज्ञान है कॉप में, और एक के दिन में द्वि दिन में वो जतु दिनों के होमवर्क हनोल ग्रह कार्य जतु दिनों होमवर्क हो द्वि दिन में दो दिन स्कूल नहीं भेजी गई और सार होमवर्क कराई गई पहली, तो यश किस्मत एक हमारे माहौल छी, और मगर आगे कबते कबते जो थोड़ा बहुत सीरियसनेस बाद में एन है वो यही थोड़ा बहुत डांट फटका आजकल नंतना हिसाब ने वो डांट फटकारे लाइन है, और हम लोगों ने और लोगों को प्रेरित कर लू की सब लोगों ने एक बहुत पढ़ माहौल ले पहुंचे और आगे ला है ठीक करण से जी। तो ये बहुत नरा या पुल लग रहा है जतु लोग सुन नहीं देख नहीं वो आपू को देखते हुए अपने बचपन में जन न्याल, और बहुत सारे लोग कमेंट में वो क्षेत्रा कोनी कोई कोना की मैं बिंता में टीचर थी कोई कोना की कुमाऊनी भाषा में आपको बात करना था बहुत बढ़िया छो, तो जो जो दर्शक अल्लाह जुड़ रही है उनको एक बार फिर बता दे कि कुमाऊनी शब्द संपदा फेसबुक का पेज में मेर पहाड़ मेर पछाण श्रृंखला तहत आज हम बात करने हैं पुष्पेश त्रिपाठी जी दिगड़ आपको पूर्व विधायक छा दोराहाटा, तो अब हायर एजुकेशन जब आपको प्राप्त करना चाहे विवाद मेरे ख्याल आप मैनेजमेंट पढ़ाई कहें बाहर गचा ना मैनेजमेंट ना मैं एमएससी करी बाद मैं कोशिश करी एफआरआई में आप रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए पीएचडी लीजिए रजिस्ट्रेशन में लगभग होने तैयारी थी, और वी है पहली हमारे जो ये इंस्टीट्यूट छू IIRS इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग देहरादून यहाँ पे मैं कोर्स करो ये जो आजकल सैटेलाइट इमेजरी सैटेलाइट मैप और ये चीज में थोड़ा नई तरीके में पीएचडी में इनको अप्लाई करना चाहिए थी, तो ये एक वास्ते वो कोर्स करो 3-4 महीनों तो थोड़ा बहुत कुछ हमारे गुरुजी हैं
एसपी सिंह जी उनर सिफारिश हमके स्कॉलरशिप ले मिली वहां पे। तो वो कोर्स करिया बाद फिर एक हमार फूलों की घाटी जो हमार प्रसिद्ध स्थान छू और एक दी जाएगा और ली भेद पूर्व उत्तराखंड जो हमार फ्लोरा फौना यो सब चीजों पर पीएचडी शुरू करने कार्यवाही चल रही थी। तो शुरुआत है छी एक तरीके पीएचडी लीजी शोध लीजी और एक प्रोजेक्ट हमारे उभत मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट में दिल्ली जरो छी और वो लगभग सैंक्शन है भी रोनी छी। तो वो वी है पहली 30 अगस्त 2004 के करीब बात छू 28-29 में दिल्ली जा छी दिल्ली जान कोई वो टाइम पर कैंसिल हो तो दोहरे दिन अगला छी फिर 30 अगस्त में यो घटनाक्रम रो जो हमार विभाग अचानक आकस्मिक निधन हो तो वी विल फिर यो सर चीज बदल गई और जस्ट मेन को की अनिश्चितता थी अनिश्चितता हिसाब से जब बातचीत है कि आपन पढ़ाई लीजिए ला अगला है कार्यक्रम शुरू कर चाहे और दोहर तरबे एक माहौल यश किस्म बड़ो टाइम पर कि चुनाव लड़ चाहे तो दो तीन चीजों में फिर आखिरी में मेरा अपन फैसला कम जो हमारे इर्द गिर्द हमारे शुभचिंतक हमारे परिवारक लोग परिवारक जो शुभचिंतक लोग थे उनर हिसाब से ज्यादा वो फैसल रहो और फिर राजनीतिक एक पृष्ठभूमि की शुरुआत है राजनीतिक क्षेत्र में शुरुआत है भाई। अच्छा चलो तो यो यात्रा रहे और कई बार हमको पता नहीं हो कि भो हम की करण छे कई बार यो सुन तो परिस्थिति बहुत सार काम करवानी तो अब आज आपू का आपू देख छा तो कतु परिवर्तन देख छा विचारों में सामाजिक सरोकारों प्रति और तमाम जो सामाजिक सोच छे उमें कतु परिवर्तन देख छा और ये कारण की मान छा। देखो सामाजिक राजनीतिक जीवन में जब हम लोग यश किस्मों के लाइन में जानू तो देखो एक लालच वो तो रोने छो कि हम जब चुनाव लड़ने हो तो चुनाव में हमको आगे रोन चाहे चुनाव जीतर चाहे वीक लीजिए बहुत किस्मत वो काम ले करो कोशिश काम करना पड़नी कि जो हमारे अंतरात्मा नहीं कर सके नीचान की हम योग करूं। हालांकि 7.5 वर्षों के राजनीतिक जीवन में हमेशा एक जो सिद्धांतों की राजनीति खासतौर पर उत्तराखंड क्रांति दल ने पहल पीढ़ी करी जब मैं स्वर्गीय डॉक्टर डीडी पंत जी शुरुआत है और स्वर्गीय इंद्रमणि बड़ौनी जी और हम अपन आसपास जब हमारे बब्बा मुगबे किस सोनू बहुत लोग थे बहुत नाम थे लेकिन वो प्रमुख लोग जैसे जसवंत सिंह बिस्जी उलिबेर फिर वीक बादक हमारे काशी सिंह हरी जी डॉक्टर नारायण सिंह जंतवाल जी इस किस्मत जो लोग हमारे संपर्क में जन संपर्क में हम छो उनर बीच में उसी ले हम यो बहुत सारी चीजों अछूता छो लेकिन जहां तले आज बदलाव एक बात छू दौर में एक बात जरूर छी कि राजनीतिक कोई ले राजनीतिक पार्टी हो कोई ले विचारधारा हो लोगों में एक प्रेम भाव एक आपसी तालमेल एक सौहार्दपूर्ण वातावरण जो वास्तव में यो पहाड़ की पहचान छू उत्तराखंड देवभूमि की पहचान छू वो सब लोगों में हो छी वो चुनाव लड़ने ही भले वो अपन अपन मीटिंग करने ही बने लेकिन आखिरी समय में रात्रि भर में चाहे वो केले छे केले काम करने लेकिन ब्यावर टाइम में सब लोग बगड़े भेबेर खाना खा रही चाह पी रही उस किस्मों की एक माहौल छे एक सिद्धांतों जो सिद्धांतिक राजनीतिक राजनीति और एक सौहार्दपूर्ण एक भल सोसाइटी भल समाज बनने जो हम बात आज ले कर लू जो आज भाषणों तक सीमित रह गए वो वास्तव में देखो मिल छी और एक एक विश्वास एक दोहरे पर और कोई आंदोलन आज जो द्वाराहाट में हम बात कर लू कि द्वाराहाट में शिक्षा माहौल और जो बदलाव आज जो फुल बदलाव छू जो हमारे सरकार राज्य मणि 20 साल में नहीं कर सक वो दौर में स्वर्गीय त्रिपाठी जी नेतृत्व में चाहे इंजीनियरिंग कॉलेज हो चाहे पॉलिटिक्स वो इकले नहीं रह सकती उमें सार राजनीतिक दलों लोग जो हमारे स्थानीय लोग छे उमें कांग्रेस लोग छे उमें अन्य राजनीतिक पार्टियों के लोग छे सब मिल जुल उस टाइम को आंदोलन करी और राज्य आंदोलन में लोग सब अपन अपन पार्टी में रहे लेकिन उन्होंने एक सहयोग उस किस्म घोची तो यह सहयोग तब है सको जब उन्होंने जब उन्होंने एक मैं कह सकता हूँ मानसिक स्तर को या उन्होंने शिक्षा को या उस टाइम सौहार्दपूर्ण वातावरण को उस सब एक बेहतरीन वीक समावेश थी और तब जब हम जो बहुत सारी चीज बहुत फुलफुल चीज जहां सरकार हिल जा वो सब सब लोग मिलवेर तय कर छी वो तो बहुत फुल अंतर छो आज
एक छोट छोट चीज में आज श्रेय लेने खून और तमाम चीजों जो सब चीज चल रहा है, ये जो बहुत बहुत माहौल है राजनीति में नहीं, लेकिन यह कई दशकों की हमारे जो ठीक ठाक लोग छे, जो पढ़ी लिखे हमारे नौजवान छे, उन लोगों को सब लोगों को यह राजनीतिक जो क्षेत्र छो इमें हस्तक्षेप आप एक दमदार हस्तक्षेप करण छे, यो माहौल माहौल को ठीक करना लीजी बात हो छे। अब उसे जो जैसे बेयो कमल राम मंदिरों को उद्घाटन देखो, देखो राम मंदिर, राम भगवान राम सबुक छे, वो हम अगर पुरानी चीजों को याद कर लो और सारी चीजों को याद कर लो, आज माहौल में यो लागलेन है, आज सिद्ध सिद्ध तौर पर यो जबरदस्ती कवाई जानो कि राम जय श्री राम कहो, जबकि राम तो कण कण में और यो इस यो देवभूमि है, वो म्यार ले छे प्यार ले छे वीक ले छे वीक ले छे, लेकिन जो कवाई जानो यो बल खतरनाक जो वातावरण माहौल पे ये और ये जो राजनीतिक माहौल जो बनाई जानो यो बहुत चिंताजनक छु, खास तौर पर हमारे जहाँ शांत उत्तराखंड प्रदेश वाली जी। तो राजनीतिक जब बात चल रहा है, मैं एक जिज्ञासा मेरे मन में उठने कि कई बार हम सारा जो विपरीत बदलाव छन वीक लीजिए राजनीति के जिम्मेदार ठहरा दिलू, लेकिन हम यो देखनू कि समाज में हमारे जो आपसी संबंध छन या हर जो जो आदमी राजनीति में नहाते वीक जो सोच छी उमे परिवर्तन होना, तो जो जन सोच छ वो राजनीति निर्धारित करें कि राजनीति यंग सोचों का निर्धारित करें, आप उनकी अनुभव पा। देखो उसी तो जन सोच, जन सोचा हिसाबे राजनीतिक निर्धारण राजनीतिक दिशा सही निर्धारण हो चाहे, लेकिन अगर हम हाल फिलहाल माहौल देख लो तो जो राजनीतिक सोच हो वो जनता की दिशा का निर्धारित करण है, और वी कारण बहुत ठुल है, वी कारण यही छो कि हम बटी जो बहुत सारे लोग सब चीजों को जानने समझने हम वो चीज के कौन नहीं चाहे, हम किनारे किनारे बजबे निकलना चाह रहे हो, जोश हेरो जे हेरो आप ही रहो हम आपो ठीक कर लो, तो यो जो भावना एक ठुल स्तर पर हमार जन जन में व्याप्त है कि उन्हें एक ठुल कारण छू, जबकि हरेक व्यक्ति हरेक जो समझ रखो कि यो चीज सही छू यो चीज गलत छू यो हो चाहे छी, वो आपन मन मन में तो कोनो या आपन एक आध दगड़ियों हो कोनो, लेकिन जो चीज वो कोनो की यो हो चाहे छी वीक लीजिए जो प्रयास नहीं हो रहे वो सब वो भी ठुल कारण छू जो आज माहौल थोड़ा बिगड़ रहा, लेकिन यो ठीक हो। आज मैं देख लू बहुत सारे नई हमारे पीढ़ी नई नौजवान लोग सब लोग यह दिशा में, आज जैसे कुमाऊनी गढ़वाली बोली हम जो बात कर रहे हो वीक लीजी, हमारे जो नई पीढ़ी लोग छे हम आज सोशल मीडिया माध्यम बातचीत कर रहे हो, और एक जब हम ठीक सो एक समय हो आज एक बालक छो चौकुटी में हमार करण नेगी, तो आज है ठीक 2 महीने पहली जब मैं लॉकडाउन के टाइम पर भी घर में गयो तो इंटर में पास है वेर वील को है कि दाजी यो कुमाऊनी गढ़वाली भाषा में हमारे यहाँ किले या गिरावट है रे, तो इंटर में पढ़ोवाल छात्र जब यो चिंता करो और भी एक विस्तार बहुत बातचीत रखी कि आज 70% उत्तराखंड लोग हमारे कुमाऊनी गढ़वाली में बला निशान, केवल 20-25% लोग रह गई जो कुमाऊनी और गढ़वाली बलानी, तो ये सब ठुल बात ये छू कि के हेरो के हैगो बीच में वो जरूरी नहीं है, जो इंटर में पढ़ने वाले एक नान यश के स्मोक्स त्रिपाठी जी बात पे फिर हम ऑन कि कुमाऊनी और गढ़वाली या क्षेत्रीय भाषाओं को किले ने बुलाई जाने ये बात पे हम ऑन किले की हम नराई स्वरूप बात कर रहे हैं, हम ये जानना चाहूं कि जब हम पहाड़ का छोड़ बेर जानू वो पहाड़ के जहां हम बचपन बिता जन नौ गधेरों में जन बाटों में जन गैल पातलों दिगड़ हम रहे हैं उनके छोड़ बेर जान एक बहुत मुश्किल घड़ी है, तो आप जब नैनीताल गछा या नैनीताल पे जब आप मन में होने नील की मैं और अखिल जोनो तो की भावना है छुसे नैनीताल जब पहली गचा तो कतु याद है घरे नहीं अब घरे की याद है होने छु आइले घरे घरे याद हम लोग जो जुड़ी हुई छ अपन मार दगे जो वास्तव में सब लोग अपन घर के अपन मातृभूमि का अपन कर्म भूमि के सब लोग चाहनु उ टाइम पर वो शब्दों में बयां करी नहीं जैसे कनु वीग लीजिया हालांकि एक नई किस्म का माहौल हो हमारे लीजिए नैनीताल जैसे परियों परियों देश हो परियों के देश में आ गए, वहाँ
रमण में के टाइम नहीं लागन, कोई ले कहे बेले गोयो वीक लीजी तो वहां पूरा दुनी भरी पूरे रंगीनिया पूर माहौल घूमलो तल्ली ताल में मल्ली ताल किस्मत माहौल है। लेकिन हम लोगों को घरे याद होने जैसे एक दिन के लिए छुट्टी मिली मौत लागो घरों भाजड़ो कोशिश ले हम लोग कर छी और ओछी ले तो ये तो खैर उनको बहुत ज्यादा शब्दों में नहीं कह सका नहल में लेकिन हो छी वो बात वो जो इमोशनल आंच ओछी है वो टाइम पर याद कर भी अपन सब पुराने दिन के वो आंच जो दही ने जो भीतर भीतर चलनी वो आंच कई बार होनी तो बहुत बहुत सारे दर्शक यो बीच कमेंट कर नहीं हम माफी चाहनु कि सबों के नाम हम ने ले पाने हैं क्योंकि कि नाम लेते हुए बातचीत मा अवरोध जना तो जरूरी है कि बातचीत के जारी धरूं तो कुमाऊनी भाषा जब हम बात कर रहे हैं तो इंटरनेट में हम देखने हैं देखो कि कुमाऊनी के लिए अलग अलग बोल छन तराई भाबर बटी सुदूर पिथौरागढ़ मुंशारी जाने या उधर काली कुमाऊं बटी ये सल्ट और चौखटिया और ये तरफ जाने बहुत सारे बोल भाषा के लोग एक मंच पे आ रही तो योला एक सकारात्मक पक्ष छू कि मैं छू अलमाड़ में बुलाई जानी वाली भाषा में पली बड़ी जैसे खास परजिया बोल कोनी और अपूछा पाली पछाऊ एक मिठी जो बोल छे वीक तो हम द्वे आपस में बात कर रहे हैं तो ये लो एक सकारात्मक पक्ष छू कि हम वर्चुअल दुनिया में कम से कम बात कर रहे हैं तो अगल कहें कि देखा कि जो युवा पीढ़ी छ वो अपना अपन भाषा कहें बिल्कुल बीच पीढ़ी में थोड़ा ठहराव जो यस लागू की यस हैरो जो हमारे बोली भाषा बलाड़ में कुछ शर्म जो चितौन छी हमारे नानकिन पहली तो पहाड़ कोण में शर्म चितौन छी जब कोई यहाँ पे बिहार नहीं कोई दिल्ली नहीं को तो कांग छे कौन है जब वो कौन सी रणखेत हो नैनताल लोग कौन सी पहली नैनताल को जाके वी नजदीक नजदीक रणखेत कह दो या अलमाड़ कह दो हम यो दरहार जैसे चौखुटी जैसे यो दूर दूर दराजों के इलाकों अपन गांव नाम लेने अपन गांव न लेने बहुत दूर की बात छू वो जो एक कॉम्प्लेक्स हो ची वो कॉम्प्लेक्स आज पीढ़ी में है बीच पीढ़ी में हम देखो बल्कि कई घटनाक्रम कई किस्सा हमारे बगैर ही जो कई लोग बात कर ची उस किस्मत खैर यो एल जो जो एल एक पीढ़ी छू जो हमार दगड़े को हमार 5 साल 10 साल छठ पीढ़ी को उनमें एक बहुत फुल भावना बहुत बड़ भावना छू कि जैसे अन्य राज्यों में अन्य देशों में जो चाहे उनको आज सार दुनिया एक है कि ये इंटरनेट और संचार माध्यम है तो उन लोगों में एक बड़ भावना छू कि हमार बोली हमार भाषा ले आगे बढ़ो उकले मान्यता मिलो यस किस्मों की एक भावना हम सब लोगों में छू और जातले तो मूल्य अलग अलग जागी बात के तो यो अलग अलग जाग में इतकनी हमारे आस पास अलग अलग छू जैसे हम लोग खाड़ है रहे को नहीं हमार बाजारा सौजी लोग खाड़ है रहे कह दिन तो यो अंतर बहुत छू मैं बीच में जब एमएससी करी बात डीडीहाट रहे एक हमारे ऑर्गेनाइजेशन सी फ्रांस वेल वीक दगे हम एग्रीकल्चर ऑफ एग्रीकल्चर स्टेटस ऑफ कुमाऊं हिमालय में थोड़ा बहुत काम करो तो दो चार शब्द कोशिश कर छी मिले नई नई शब्द सीखण की हम जैसे भल नॉक होनी उन्होंने निक गोट होनी ये जो अंतर छू कबते कबते ये चीज हमारे समझण में ले दिक्कत उबत है जी और हमारे जो किस्से थे अब तुम अलमोड़ी छा मैं दुर्याव छू अलमोड़ियों किस्से ले प्रसिद्ध थे खैबेर अर्चा की जैबेर खाला दुर्याव फिर पाली पछाऊ तो खैर दुर्याव खास तौर पर ज्यादा प्रसिद्ध हमारा है दरहाटो बल्दो किस्से तो मूल सुनियो है तो ये जो सब चीज है ये बहुत समृद्ध हमार शब्दावली मैं कह सकूं कि हमार कुमाऊनी आज बात है अभी नंतिन से आज मैं बिहार भर हमार भतेरपन हर कमर में चुरैन छू एक भाषा एक गंदा लीजिए भतेरपन ये लीजिए चुरैन छू नानवाल का ती गाव द्वितीय वक्त मुद्दू तो ये चुरैन हमतरैन भड़ैन भुटैन ये जो शब्दावली जो ये कॉमन खैर में बहुत ज्यादा गहराई भाषाविद या ये चीज नहीं जानू लेकिन जो कॉमन शब्द जो सामान्य शब्द हम लोग सुनू बातचीत करू हम लोग ये कह सकू कि एक जो समृद्ध हमार शब्दावली छू हमार एक आखिल बढ़ चे और यो इतु
अब यो कह सकते हो कि आज जो पीढ़ी के हिसाब से देख बेर हमारे नौजवानों को देख बेर कि यो आगे बढ़ेन और के कुनी जे जो लुप्त तो होने की स्थिति हम लोग सोची कई लोग हम लोग कह दीजिए कि लुप्त तो है जा लेकिन यश नहीं हो यो आगे बढ़ल एक ठहराव बीच में रहो लेकिन आगे ला बहुत भल समय छू और हम सब लोग जो आप लोग ज्यादा जानकारी हो भाषाओं छा भाषा लीजिए काम कर छा उन सब चीजों को नई हम तो यो कौन और जो एक बार फैशन हो वो शिक्षा नीति तो मैं नहल नहीं पढ़ रहा है लेकिन जो मोट मोट हेडलाइन समूल अखबारों में पढ़ी उनमें जो स्थानीय भाषा का ज्ञान और स्थानीय भाषा का कले कोर्स में सम्मिलित करी जाए वो बहुत महत्वपूर्ण फैसल अगर वो वास्तव में उत्तराखंड जैसे हमारे राज्यों में लागू हो जहाँ आए हमारे भाषाओं को मान्यता नहीं आयु नहीं आ रहा है तो उनर लीजी बहुत महत्वपूर्ण छू और दोहर जो सबसे ठुल बात छू आज राज्य मणि हमारे 20 साल है कि दिल्ली सरकारों के बहुत धन्यवाद मैं करण चाहू के लिए कि उन्होंने उत्तराखंड कुमाऊनी गढ़वाली जौनसारी जो भाषा एकेडमी बनाई बनाए रखी वीक लीजी मैं यश कह सकूं कि एक बहुत ठुल काम हमारे लीजी हो और यश किस्मत जो हमारे आपन जाए छू वह सब में पहली सरकारें जो घोषणा जरूर करना चाहिए जो एल जो शिक्षा नीति में बदलाव जो फैसला ले रहो उमें सरकारें काम जरूर करना चाहिए उनको हमारे कोर्स में शामिल करना लीजिए जो ले प्रयास है सुको ताकि हमार हमार बादक जो अगली पीढ़ी छू उस शुरुआत बटी हमार भाषा का हमार सात चीजों के लेकिन नंतिना लीजिए शिखर में कोई दिक्कत नहीं हो आज हमार हम अपन घरों में चाहू हमारे नंतिन जो 7-8 साल है गई जब 2-3 साल अच्छी तो जस घर में हम बलोची उन शब्दों को जरूर कॉपी कर फिर बोलची हमारे नंतिन एक भाषा ने कोई ले बच्चे जब पैद हो वो दगड़े दगड़े 2-3-4-5-6 जस भाषा में तुम रोजक माहौल दिला उतु भाषा वो सीख सको और जो लुप्त तो होने जो कम बलाई जाने ये फिर देखो सब फुल जिम्मेदारी जिम्मेदार हमारे जो पलायन रहो और हम जिस माहौल में जा गए वहां जो बोली भाषा उन स्कूल में जो किस्म माहौल बन तो वो कमी जरूर है लेकिन आज हम उनको बढ़ा सकते बहुत लोगों में यह चिंता जो दिख रहे हैं वो बहुत वो चिंता बहुत महत्वपूर्ण सौ वाली जहाँ चिंता हली वहां आगे ना एक समाधान ले जरूर निकलो। शंकर पांडे जी लिखने की एक बात आज पूछो अब जो पुराण शब्द हरणी वो कसी के अगले हाल तो एक चीज मैं कौन चाहू शंकर पांडे जी कि हमारे जो भाषा छन हमारे जो शब्द छन हमारे जो गीत छन उनु के जिंद धरने लीजिए एक बहुत ठुल बात यो छु कि हमको परिवेश के लिए बचावे धरन पड़ो किले कि हमारे जो भाषा छ परिवेश बे आ रहे तो जब तक हम परिवेश के याद न धरो तो कोई ले आसान शब्द ले हम भूल जोन और परिवेश का अगर हम याद धरो ना तो अगिल है ले मुश्किल है मुश्किल शब्द जो आज हमको लगनी जरूर आल ये बातचीत का हम जारी धरनू आज वे हम है जो एक पीढ़ी अघिलेख या विहल एक पीढ़ी अघिलेख छी उका मैं स्पष्ट तौर पर ये बात लीजिए जिम्मेदार ठहरू कि उन्होंने हमारे जो लोग भाषा छ उके सभ्यता मानक मन दी अगर मैं कही देखो नहीं कि हाँ फोन में मैं यो बुड़ान लग रही हूँ अपन अपन भाषा में तो ये सोचो कि यह तो क्या उन्होंने ये पहाड़ में बुलाना जबकि सच्चाई यो छु कि अगर आपू अपन भाषा का न जानना तो आपू समृद्ध छाई नहीं वो ज्यादा समृद्ध छु गांव का आदिम शहरा का अपेक्षा जो पहाड़ बुलाना तो अपन भाषा के जो युवा पीढ़ी देखो ने उका हम अगिल बढ़ोन पड़ो की कौन छा आपू यह लीजिए मैं तुमको एक छोटा सा उदाहरण अपना उदाहरण दिनू जब मैंने एमएससी करी एक बार हमारे जो प्रोफेसर साहब थी चंद्रा साहब उन्होंने मैं को यहाँ जान छू एफ आर आई में एक लीजिए मैं रिकमेंडेशन करो या एक लीजिए तो उनको अपना अपन बायोडाटा बनाए जाओ तो मैं जो अपन बायोडाटा बनाए वो बायोडाटा में बकाई चीज तो खैर सब ठीक छू स्कूली शिक्षा बटी लीबे जाते ले जे जे कोर्स कर रहा थी लैंग्वेज नोन जत के कॉलम लिख रहा थी उमें मैं लिखो हिंदी और इंग्लिश तो चंद्रा सर शायद भारत छे कहाँ छी एग्जैक्टली उनका लेकिन नैनीताल बेस्ड छे तो उनको क्या के तुम यो दिए भाषा जान सा तुम्हार अपन भाषा की छू
एमएससी में 2001 का बात छू, तो मैं इनको हाँ मैं कुमाऊनी छू और मैं कुमाऊनी ले जानू, तो उनको इमे किले नहीं लिख रहा मेर बायोडाटा उन्होंने फाड़ो और मैं दोहर बायोडाटा बनाए उमे सब मध में लिखो कुमाऊनी लैंग्वेज नोन, दोहर नंबर पर लिखो हिंदी, तिहर नंबर पर लिखो इंग्लिश, तो मेर बायोडाटा में एक नॉन लैंग्वेज क्रम संख्या बढ़ गई, तीन भाषा में जानी है कोई दिन में। तो यह एक बहुत महत्वपूर्ण बात छू कि एक आसान सी चीज जो हम अपन घर में बिना कोई एक्स्ट्रा एफर्ट करी सीख सकू, वीक लीजिए हमको करना चाहिए, और हमारे बायोडाटा के स्ट्रॉन्ग बढ़े, हमार अपन पहचान का हमार संस्कृति के दस जाए थो अच्छा कुमाऊनी छा, तो यह किस्म के एक माहौल न बढ़ो। तो वीक लीजिए मैं ये कौन चाहू कि जो हम लोगों में इंफेरियोरिटी कॉम्प्लेक्स हो कि हम लोग पहाड़ छो गौ ग्रोणी छो, वो वी हैवर भली अच्छी कि अगर हम लोग अपन आगे और बेहतर ढंग प्रस्तुत कर पाए हमार लोगों, और यह बहुत लोग यश किस्म सोच भी रहा अपन चीजों को छिपोनी या अपन वो करनी, जबकि अगर हम यहाँ पे ढल जगहों में नहीं जाओ, आज हम हमारे लोग जो साउथ में जानी बिहारपन जानी जान लोग हमको जाननी कि लेकिन हमारे देवभूमि रही छू, यहाँ लोगों को बड़ इज्जत बिहार इलाके में छू, आवश्यकता में बात छू कि हमोल अपन पहचान खुद हमोल इन ठुल ठुल इंस्टीट्यूट में जब मेरे को कि IRS में रहो, FRI में रहो, WII में कुछ दिन हम रहो, वहां जो हमारे और राज्यों के लोग हो अगर दी लोग मिल गया उन्हें 24 घंटा बातचीत आपस में अपन भाषा में हो, लेकिन यो हम लोगों थोड़ बहुत कमी रहे जो टाइम पर रहे, अब उनको जसीले को वो कॉम्प्लेक्सा वील हम लोग उस उतू बेहतर ढंग उस वो बात का नहीं रख पाए, लेकिन काम करने वाले लोगों को आगे बढ़ा और आई लोग काम करनी, अब वो संख्या बढ़ने और आने वाले समय में यो जो हम सब लोग चाहू वो स्थितियां पैद है सके, आवश्यकता यो बात छू कि हमारे स्कूल में यो पाठ्यक्रम लागू हो या नहीं लागू हो, लेकिन हम अपन घर में यो माहौल अपन अंतला लीजिए बनोल पड़ोल कि वो सब है पहली गुड मॉर्निंग कोना बजाय हमारे पहाड़ में जो चीज है और जो जो, जो लाड़ प्यार हमारे हमारे भाषा में झलको जो शब्द नहीं कही जा सकन, वो माहौल का हम अपन घर में शुरू करो, तो आप ही जो हम लोग चिंता व्यक्त कर रहे हैं वो चिंता खत्म हो जाए। यह जरूरी बात है कि हमको प्रैक्टिकल होना पड़ा। दिनेश जोशी जी लिखने की सार्थक बातचीत होने हम सर दर्शकों से निवेदन करूं कि आप अपन अपन प्रश्न लिख सकता हम उनको शामिल करूं। जो आज एक पीढ़ी छ हम हले जो नई पीढ़ी हम देखने हैं, हमारे परिवार में एक उदाहरण छ जो हम है नन भाई छ वो पहाड़ में कभी नहीं रहे, किले की वो परिवार इतना रहो तमाम भारत का अलग अलग जगहों में, वो IIT बैल PhD करण लग रहा हो दिल्ली में, तो वो कहो कि घर में कहीं पतेल छू वो को मैंने धर दिया, या पूर्व वो इसको लग रहा कि लॉकडाउन में मैं हुड़ूक शेकन चाह, तो योले एक आस छू कि नई पीढ़ी के अपन भाषा प्यास जाहिर होने। कैलाश सिंह जी लेखन लग रही कि बहुत भली बात करना था, धन्यवाद। तो हम अक्सर कुमाऊनी भाषा के नाम पे ठुल ठुल संगोष्ठियों का देखनू, ठुल ठुल ग्रांट का देखनू और ठुल ठुल प्रोजेक्ट का देखनू, तो जरूरी छू कि हम प्रैक्टिकल हूं, कोई संगोष्ठी है ज्यादा जरूरी हो छू कि हम घर में पहाड़ में बुलाऊं, हमारी मातृभाषा हिंदी ना थू, हमारी मातृभाषा कुमाऊनी छू या गढ़वाली छू, हमारी इज जब भाषा को बुलाएं वो हमारी मातृभाषा छू, और हर कोई व्यक्ति यह दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार अपन इस डिगड़ करूं, तो इजे भाषा के हम कसी भूल सकूं, तो आस छ अगल के हैं जो जरूर पूर भेल। हम एक बार फिर अपन बचपन में लौटन चानू को स्पेस त्रिपाठी जू, हम जब ले वो इलाक पे उठे जानू तल्ला मिराई मल्ला मिराई और उठे चौकुटी जाने में देखो कि लोग पानी कंटरों में और पानी फॉर्म का लिवेर लग रहा नहीं बट, तो पहली ले तो पानी समस्या अच्छी वहां हमारी यहाँ पानी की दिक्कत दोहर नंबर पर कौन मेर मकोट छो अलमार जोश खाओ
अच्छा सारा अलमार जिले में पानी बड़ समस्या छी। जब हम अपन मकोड़ जी छी तो हमार लीजिए 5-5 लीटर गैलन धरी रुचि हम उन वहां बे हनुमान मंदिरा नौ बे और वो जीआईसी तली बे की कुनी रानी की धारा कुनी तलवाल धानी धारा जीआईसी आनंद धारा वहां बेले पार सारी छू और हमार दोराहाट में तो पानी की दिक्कत छी अच्छी। अब यहाँ को किस्से से वो जगास और रामगंगा का मिलन छी द्वाराहाट के श्री कृष्ण भगवान द्वारिका बनोन चाह छी और गगास गगासा लीजी गगास को यो कौन छी कि एक पीपलो डाव छू या कोई डाव छी वो डाव है कही गई कि जससे गगास आली तू को बते दिए कि इथाउ जाड़ छू तो वो सिद्ध गई उस टाइम पर और रामगंगा अपन जागे न गए और गगास अपन बाढ़ हिटते रहे उनको संदेश नहीं मिल पाए तो द्वाराहाट द्वारिका बनते बनते रह गई। तो पानी समस्या तो तब बड़ी शुरू है गई लेकिन मंदिर यहाँ छने से द्वारिका बनो चाची या किस छू खैर उस टाइम पर बहुत ही अठुल दिक्कत रहे द्वाराहाट में और अब धीरे धीरे वो समाधान ले है वो स्वर्गीय त्रिपाठी जी जब मांग हमारे बहुत टाइम बची लेकिन जब राज्य बनो भी बात स्वर्गीय त्रिपाठी जी प्रसाद ले लियो राम गंगो पाए ले यहाँ और न केवल यहाँ बल्कि चौखुटिया का हमारे पूर्व जो गौ छन राम गंगा किनार वो गौनों में ले पानी गोई पहाड़ों में न केवल दराहाट में बल्कि हमारे हर गौनों में पानी बहुत दिक्कत सुधा स्रोत नीर आए उस किस्मत मैनेजमेंट भल जो मैनेजमेंट जबकि पानी हमें यहाँ पे बरसात हमें यहाँ पे और वीक लीजिए एक फुल प्रोजेक्ट ले उस टाइम पर सब हमारे जो सोचन थी कि पिंडर और पानी हम कौसानी बाढ़ बे सुरंग बड़े बेर यो हमारे जो नदी छे जो बरसाती नदी छे इनू में खेतों इनू को डाली जाल भी काफी कुछ काम ले हो में लेकिन अब राज्य जो हाल है यो बात के जारी धरुन एक दर्शक रविंद्र सिंह राणा जी लिख नहीं आप तो पूछ नहीं कि पहाड़ के लोगों द्वारा पहाड़ी लोगों के अंदर हीन भावना भर दी है अपनी बोली के लिए। जो लोग अब पहाड़ में रहते हैं वे अपने बच्चों से पहाड़ी छोड़ हिंदी में बात करते हैं पुष्पेश दा, यह हीन भावना कैसे दूर की जाए? अब वीक्स हीन भावना यो तो हमको खुद सोचना पड़ो हम लोग ये तो सक्षम छो हम सब लोग ये तो संघर्ष है उत्तराखंड है हर पीढ़ी कर रखो हर दौर में कर रखो आजादी बटी ली आजादी आंदोलन बटी ली वे और हमारे सार जो तो आंदोलन है हम लोग और दुनिया सामने आप बात बहुत दबंग तरीके धर रखी उस टाइम पर जब साधन नहीं हो ची हम लोग यहाँ द्वाराहाटे शाल दे बिखोती कर ले तुम बात करी जब इमरजेंसी लागी उस टाइम पर कांग्रेस के खिलाफ एक जब कांग्रेस तूती बोल छी कोई दौर एक विरोध में नहीं बोल छी तब जब ये गौनों गौनों में हमारे माँ बहनियों इमरजेंसी खिलाफ झोल बने रखी तो हम लोग हीन कसी है सब में यो आज समझ से परे छू यो तो सब है महत्वपूर्ण बात यही छू कि हमूल हीन भावना अपन जाते छू लेकिन हमूल एक जो आज देखा देखी कल्चर है वो देखा देखी माहौल है वो उको देख बेर मगर आज तले भली के अंग्रेजी बलान नहीं होन हमको कोई यो सब चीजों को हमको सोच बेर जो एक बात छू कि हमोल अपन घर बटी अपन परिवार बटी जो हमारे इज बाब आम बुब जसी बलानी अपन बातों को अपन भावनाओं को अपन भाषा में व्यक्त करनी उकल उकल आगिल बोलने बात छू यो तो जनरेशन बटी एक जनरेशन में दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होनी नॉलेज छू यो कोई लिखी नहीं यो ओवा कोखो जो आई पड़ोनी स्थिति में तो इस यह लीजिए तो हमको खुद अपन घर में प्रयास करो वो हीन भावना काफी दूर है जे तो कमेंट आते रहो नहीं लोग अति सुंदर हो लिखनी राजेंद्र कुमार पांडे तो आप सवाल लिखा सब दर्शक जो दिखनी रविंद्र सिंह राणा जी प्रश्न में जवाब दिन छा कि देखो मैं यस स्कूल में पढ़ाई गई अपने माँ बापों द्वारा जहाँ पढ़ाना पछल मकसद ये कि एक अंग्रेज पैद हो जो अपने पहाड़ी भाषा का हिंदी के छोड़वेर अंग्रेजी पढ़ो लेकिन हमें इस किले की गांव में रेंज तो जब वो प्यार हमार म्यार भीतर जीवित रहो तो यो एक आस छू हम युवा पीढ़ी लोग छा और सबसे पहले हम कहे जो यो शर्मक जो पर्द बिछाई रहो उको तोड़न पड़ल जरूर हम अपन भाषा के अखिल तक पूजोन तो हाँ आप बात कंटिन्यू कर सकते जी त्रिपाठी जी आप अपन बात कर क्या सकता फिर कांची हम लोग हम लोग बात कर रहे कि अपन घर में अपन परिवार में हमको माहौल बनो चाहे
और हीन भावना कह लीजिए, कोई चीज लीजिए। आज जो उत्तराखंड में पहुंची कि हमार तो संघर्ष पूर दुनिया में याद करी जा, कोई ले संघर्ष चाहे हमारे आजादी का आंदोलन रहो, वही बाद हमार तमाम शराब विरोधी आंदोलन, हमारे महिलाओं चिपको आंदोलन, वीक बाद हमारे राज्य आंदोलन, हर चीज के हमूल पूर देश और दुनिया सामने के आदर्श प्रस्तुत करो कि बिना कोई लड़े झगड़े, बिना कोई मार काटे, हम पर कोई कलंक नहीं लाग रहा है। जो ने समाज लीजी लड़े करी वो उत्तराखंड हम सब लोगों लड़े और हम आज अपन भाषा के आगे बढ़ोना लीजिए। अगर हम यह सब सोचू तो फिर कसी हो, हमको शुरुआत हमको अपन स्तर करना पड़े, हम लोग आगे बढ़ो, आगे बढ़ो और जो दिक्कत है धीरे धीरे उले दूर है जा, यश के बाद में है जी। तो त्रिपाठी जी, धोराहाटा कोई आदिम दिगड़ हम बात करनू तो ये उम्मीद करनू कि कई वो गुनगुना दियो कई बचपन में धोराहाटा कौतिक में कई गाने हाला, तो बाथरूम सिंगिंग तबला करने हाला, थोड़ा एक रोचकता आ जाए। नहीं तो बचपन है क्या, आजकल जैसे अब देखो बीच में सोशल मीडिया में एक गीत हमारे लोक गीत चल रहा थी, बहुत लोगों लो ट्रांसफर ले करो, बहुत लोगों को कॉल है, धन ओ पुताई धना धुरियाए बाज काटीना। दी दिन तले वो बाज काटीना मैं नहीं समझ, जो हमारे भाषाओं का अलग अलग बलारो तरीक छो, और जो किस्मत जो हमारे जब हम समाज में जानू तो जो हमारे बलारो सिस्टम कम है गो, उनमें कुछ शब्द समझ में नहीं हो, तो यो सब चीजों लीजिए जरूरी छो कि यो लगातार हमार बातचीत में हम लोग जाने बने सकनू, जो हमार दोहर पछाड़ वाल छू जैक दगेले हम बात कर सकू, हमको कोशिश करना चाहिए कि हम बलार छे चाहे नानती ना दगे, तो यो जो छे और बका द्वारहाटा वो बिना कसके जानू द्वारहाटा हिटसाई कौतिक जानू द्वारहाटा, यो एक फेमस गीत हमार सब्जेक्ट पुर प्रसिद्ध गीत छो, अब गीत गुनगुनो में और गाँव में थोड़ा बगल शर्म जो लागे, अब वो हीन भावना तो नहीं लेकिन शर्म जो चितोनु तो ये लीजिए, तो तुम कोई गीत शुरू कर सा, तुम्हें देखा अगर मगर हो सब में दगड़े गए दिल। चलो गीतों के लिए हम श्रृंखला जारी धरन, हम फिर राजनीति को और लौटू कि आप जब राजनीति में कदम धरना चाह तो एक तो तुम्हारे जो बाबू छी विपिन त्रिपाठी जी उन्होंने सिद्ध अपू प्रभावित छा, और यस को शख्सियत छी क्षेत्रीय तौर पे राष्ट्रीय तौर पे या वैश्विक परिदृश्य में जनूल राजनीतिक तौर पे आपू को प्रभावित करो। राजनीतिक तौर पर तो एक लंबी फेरिस्त हो, हालांकि आज कई कतु किस्मक बात हो, देखिये हर एक जग पर अलग अलग टाइम पर कमोल अलग अलग लोगों को, हालांकि वो सब लोग आदर्श थे, महात्मा गांधी जी हमारे सुभाष चंद्र बोस, और जब वो कॉलेज ऑफ दौर थी, जब ग्रेजुएशन ऑफ दौर थी, तो भगत सिंह का संस्मरण, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, उन लोगों को हम लोग ली थी, लेकिन जो अन्य चीजों पर राजनीतिक रूप में अगर हम ये सब चीज के देख लो तो चंद्रशेखर जो हमारे प्रधानमंत्री रही, उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण संसद में जब हम उन्हें जो कही गई बात से उन्हें भाषण से और आज जो कई चीज लिखी जा रही, फिरोज गांधी एक प्रखर वक्ता उस टाइम पर और जो देशा के लिए एक मिसाल थी, तो यह किस्मत लोग हमारे पार्लियामेंट में उस संसद में उस टाइम पर जाची वक्ता तौर पर, आज के समय में अपन परिप्रेक्ष्य में जब हम सब लोग देख लो तो बहुत लोग थे, नारायण दत्त तिवारी जो एक अपन बहुत एक विराट व्यक्तित्व थी, हालांकि उन्होंने बाद समय कौश रो के रो ऊपर ज्यादा बहुत कोने में आवश्यकता नहीं समझन, लेकिन उन्होंने एक जो कद थी और जो हिसाबे उन्होंने पुर उत्तराखंड बटी पुर देश में एक जो कदम रखा वो अपने आप में एक बहुत फुल व्यक्तित्व रहो, उनर ज्ञान है के लिए कि उन्होंने दगे आमनी सामनी कतु बखत तारतम्य रहो और कतु बखत निजी बातचीत में जब और काम है जो थी तो जो बातचीत हम लोग कर थी तो उन्होंने एक चिंता हो कि आगे ला यो सोचे उत्तराखंड में तुम लोगों को यो काम करना चाहिए, तो एक बहुत महत्वपूर्ण समय उन्होंने दगे रहो चाहे वो कम समय रहो, तो इन लोगों को बहुत प्रभावित करो। स्वर्गीय त्रिपाठी जी तो खैर उनर चीजों उतु प्रभावित उभत निकर जब तू हम सामने उन चीजों को जो क्रियाकलाप जो दैनिक संघर्ष संघर्षक दौर छी, लेकिन वी बादक जब हम उन सार चीजों को देख लू
और आज जब हम बहुत सारे जगहों में जानू तो बहुत पुराने लोग अपन बातचीत कोनी की ऐसा ऐसा यशो स्टेम उन्होंने दगे रहो तो वो नई संसमरण होनी तो यो कह सकूं कि गांधी जी एक बहुत महत्वपूर्ण हमारे लिए जी प्रेरणादायक उनर सार जीवन चरित्र छू और मैं उनको आप आदर्श ले मान लू और वीक बाद जब यो दौर आज तकनीक टेक्नोलॉजी युग छू वो मैं दोहर गांधी में कह सकूं कि हमारे एपीजे कलाम उनको हमें बहुत हमारे दिल से बहुत अपन आदर्श मानू जी। देवेंद्र मेवाड़ी जी बहुत भल बातचीत को नहीं बहुत बहुत धन्यवाद आपू जोड़ी का छा आपू आशीर्वाद हमेशा हमार खोर पे बनी रहो। आज त्रिपाठी जो हम देखनु कि वैचारिक तौर पे जो राजनीतिक हमारे सयान छन या नन नंतिन छन जो हमुहा कम उमरक छन जो धीरे धीरे निचला स्तर पे राजनीति शुरू करनी उनमें वैचारिक कमी देखी या वैचारिक तौर पे उनको कस पाछा आपू वैचारिक तौर पर अब कमी अगर छू ले तो उनर गलती नहीं हमुल जोश किस्म को टाइम में एक माहौल बनाई जाची उनर उनुधे जब आप सामाजिक जीवन में प्रवेश करनी संघर्ष दौर में प्रवेश करनी आगे बढ़ने कोशिश करनी तो उनको एक सही जो दिशा दी जाची वो दिशा काम कर ची उनर लंब राजनीतिक जीवन आली जी। आज हम जब खुदे उस सिद्धांतों पर टिकी नहीं तो हमर जब खुदा के सिद्धांत नहीं तो हम आने वाली पीढ़ी के शिक्षा दी सकूं ये बहुत महत्वपूर्ण छू। उदाहरण तौर पर फिर अब बातचीत बहुत है कांग्रेस का टाइम पर अगर हम नहीं जाओ आजादी दौर में कांग्रेस का के जो लीडरान तमाम लोग छी उन्होंने एक व्यक्तित्व छी उन्होंने जो कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं हो छी वो बहुत महत्वपूर्ण रहो कि कांग्रेस से इतु लंब समय तक राज करो और यो जो गिरावट कांग्रेस में है जब इंदिरा गांधी जो प्रधानमंत्री बनी भी बात जो तमाम घटनाक्रम है और सब तमाम किस्मत हमारे ठेकेदार तमाम किस्मत जो लोग आखिल राजनीतिक दलों बढ़ाई वील पूरे पूरा संघर्षक जो इतिहास छी उको धीरे 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 वीक जड़ों में छा खितरो काम करो और आज वही माहौल छू वीक लीजिए हमको दोहर उदाहरण जैसे हमारे उत्तराखंड में हम सब लोग देख लो कि डॉक्टर डीडी पंजू एक शिक्षाविद एक अंतरराष्ट्रीय स्तर ख्याति प्राप्त वैज्ञानिक वो उत्तराखंड लीजिए उत्तराखंड पहाड़ों लीजिए सोजवे एक चर्चा परिचर्चा शुरू करो और उनर दगे उस किस्मत लोग जुड़ते चले जाए जो एक वैचारिक वैचारिक धारा में आखिल बड़ो काम करनी और धीरे धीरे हम उस किस्मत लोग वो छाछंगा लोग चीज चाहे वो डॉक्टर महेंद्र पाल जी को ले लियो काशी सिंह हरी जी को ले लियो डॉक्टर जनपाल जी को ले लियो तो ये जो छात्र थी उधर एक सिद्धांतों को लेकर जब वो वैचारिक सोच के लेकर आगे बढ़ी तो आज वो भले ही कोई पदों में नहीं थे लेकिन उनर संघर्ष उनर सोच उनर समझ को सब लोग याद करनी मंत्री विधायक मुख्यमंत्री पदों में बढ़नी लेकिन वही बात ये छू की आज हमको जो हमारे डिग्री कॉलेजों में उन सारी चीजों में हमको जो हम छात्रों को छात्र राजनीति को प्रभावित करना लीजिए हर किस्मत प्रयोग करना वो चीजों को हमको थोड़ा छोड़ पाना उनको एक तरीके फ्री हैंड दिवे वो लोग अपना काम करो। आज पिछले दिनों हम देखो पिथौरागढ़ जो छात्रों का आंदोलन चल रहा है किताबों को लीबेर वीक लीजिए शुल्ट बात करना बजाय हमारे राजनीतिक लोगों उल्ट बात ज्यादा करी उनको राजनीति से प्रेरित है तमाम चीजों में हस्तक्षेप तमाम बाहरी लोग कर रहे हैं जबकि उन्होंने आंदोलन एक सही दिशा में जाने की जरूरत थी उन्हें जो मांग थी वो बहुत जायज थी राष्ट्रीय स्तर पर उनको कुछ मीडिया चैनलों उठाए ले छू तो यस किस्मत जो घटनाक्रम होनी उन्हें वेख लीजिए महत्वपूर्ण छू उन्हें समझ और दोहर महत्वपूर्ण बात ये छू उनको खुद ले प्रयास करना पड़ो। आज जो छात्र यो सोच लागो कि केवल पैसा और शराबेल हम छात्र राजनीति का आगे बढ़े सकू वह तले सीमित है जानी आजकल हमारे छात्र नेता एक एक साल छात्र नेता रह गई
पहली में एक वक्त जो छात्र नेता बन गई बहुत लंबा पारे आगे खेल छी और बहुत सारे पूरे देश और दुनिया में जो संसद में पहुंची जो उत्तर प्रदेश विधानसभा उत्तर प्रदेश फुल विधानसभा में पहुंची वो तमाम लोगों को उदाहरण अगर हम उठे बेर देखो वो सब छात्र राजनीति में आई हुई नौजवान छी लेकिन उन्होंने उस किस्मत समझौता कभी नहीं कर कॉम्प्रोमाइज कभी नहीं करो एक विचार के लिए आखिर बड़ी वो ठीक छो बाद में कोई सही है सको कोई गलत है सको कोई कोई माहौल में रह गए लेकिन छात्र राजनीति बटी जो आई लोग छे वो बहुत लंबे समय तक अगिला बड़ी आवश्यकता ये बात छू की यो छोट मोट चीजों को छोड़ भी हमको वास्तविक दिक्कतों को वास्तविक समस्याओं को समझ भी उनको ठोस रूप में जनता लीजिए समाजा लीजिए जब हम राजनीति में होनू तो आप उनको समर्पित करते हुए मन मेरी पहुंचे कि है सको मेरे बाद हमर परिवार के हम नहीं चल सको जब यश किस्मत बातचीत हम लोग करो तो तब हम आगे बढ़ सकू और ये जो आजक जो थोड़ा बहुत यो जो मूल्यों में नैतिक मूल्यों और सिद्धांतों ह्रास है और जो विचारधारा बटी हडवेर केवल हो हुल्लड़ की जो राजनीति है तो वह बे हम लोग बच सकू जी तो यो बातचीत तक सार यही छो कि हम कोई ले पार्टी कह सकूं कोई विचारधारा कह सकूं और अलग अलग विचार है जब हल तब दुनी हुए और हर विचारक कोई ना कोई प्रासंगिकता है जरूरी है कि कोई भी विचार बे आप अगर राजनीति में छा तो प्राथमिकता हो चाहे कि कसी हम यह दुनी समाजक भल कर सकूं। एक बात मैं याद होने कि तुम्हारे गांव दयारी गांव के कोई जानने वाले एक बारी मतलब कौन आजी कि हमारा जो विधायक जी छन त्रिपाठी जी वो अपन नौ बे खुद पानी में सर्वेर घर लानी फाऊंगे तो ये तो जमीनी आपू छा और हम आश्वस्त हुनु कि ऐसे ऐसे लोग ले राजनीति में छन तो हम ये जानना चाहनु कि घर का आपू की दैनिक कामकाज की हुनी रत्तबे ब्याव जाना कसी की करना छा चालू आजकल सामान्य दिनचर्या जो रात भर पांच साढ़े पांच उठ बाजी उठनु नांतिना कल उठाए थोड़ा खेल कूद थोड़ा गाड़ भिड़ा में गोई बीच में जो दिन पना गाड़ खा ले हची उस दिन पना हमूल गाड़ ले खुदी और सब यो नंतिना दगे काम धाम ले करो आजकल खैर भट गहत सब उन्होंने ठू ले गई और खैर पानी का अब दिक्कत है होची कब तक वो टाइम पर योजना नहीं थी और बहुत सारी चीज नहीं थी तो थोड़ा बहुत स्रोतों जो पानी होची गर्मी दिन में वो सूख जी थी तो हमको लोड़ ले पड़ी उनके दिक्कत नहीं है तो हमारे घर के बाद घर का काम छो सब जाने दिक्कत है सब लोग करने छे आजकल मैंने देख रहे हो कि हमारे गोनूपन बहुत लोग आजकल खैर बरसात का टाइम हो गया जब तीन महीने पहले जब मैं गोनू में गयो तो बहुत दिक्कत हमारे इलाकों में आई लो छू पानी के लिए तो खैर यो हमारे दैनिक काम छे नंतिना देखे खेल और कूद और आपके लिए की दिन भर जब जब बटी स्कूल बंद है रही तो घरों हाल बेहाल छे नंतिना कहे टीवी फूट रहो हमारे लिए एक टीवी फूट गो आज मेरे मोबाइल टूट गो तो ये किस्मत चीज हने छे नंतिना देखे हमारे टाइम ले नौ दस बजे तले पूछ पाठ कर बे जी कैलाश पांडे जी लिखनी बहुत बड़ी बातचीत जी तो नैनतिन के कुमाऊनी बुलाना प्रचलन छो तुम्हारे घर में हमारे घर में बहुत भली के नियोन लेकिन कुछ चीजों को जो लोग करनी बिराव है गो 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 मारे हलो तो यस किस्म का आई धीरे शुरुआत चल रहा है आई एक एक उम्र चार साल साढ़े चार साल छू एक एक फुलवाल छू वो सात साल छू तो थोड़ा बहुत शब्द आई उतु बहुत साफ में कौन हो हमारे घर में ले हिंदी बलान चुड़ा सगर छू लेकिन मतलब हमारे बीच में आपस में शहर में इसमें मैं घर वाले और मैं ज्यादातर हिंदी में जी बातचीत कर लू लेकिन हमारे ईज और काक यो सब लोग पहाड़ में करनी तो उन्हारे बीच में बैठ बैठ जतु नानतिन सीखनी वो सीख रही और धीरे धीरे आज आ कार्यक्रम बाद मैं सोच रहे हैं कि पहाड़ में कोशिश कर लू आप घर वाली दगे बनोड़े कबते कबते घर वाली दगे झगड़ हो गए उमें पहाड़ उमा पहाड़ में हम जरूर बुलानू एक आध ए दुहरे के पहाड़ में गाई दी दिया जब फिलहाल उसको चू तो यह बातचीत है सार्थक हजेल अगर आप यस कर ला त्रिपाठी जी के लिए कि जब हम अपने लोक की बात कर लू अपन क्षेत्रीयता की बात कर लू तो खेती काश्तकारी का हम भुला नहीं सकना और पहाड़ में कोई ना जाग में किले की मैं घूमते रहूं पूर्व पहाड़ में कुमाऊं गढ़वाल कहीं ले जाओ
खेती और काश्तकर करने वाले लोग गुणी बानर और सुअर वहां बड़ा परेशान छल। मैंने कई ऐसी इलाक देखी जहाँ आल हुची वहां आज लोग आल लगन ने भैर बा खरीदनी, या कई जगह ऐसी देखी छी जहाँ की गडेर पूरे कुमाऊं में प्रसिद्ध छी, वो आज गडेर खरीदने अलमाड़ो नहीं। तो आपू वहां की हाल छो? हमर वहां यो हाल छू कि रात्रि पर जब उठनु हम वहां जो बानरों सेना है वो 3 दिन में नहीं रहे। फिलहाल 3 दिन में मगर लाग रहा हूँ अयोध्या जनरल राम मंदिर बनो नतर भी है। पहली उनर 500 200 250 दांग है और 1 घंटा टाइम मेरे लिए दी गुलेल धरी छे। एक पाव उतक धरी छू, एक इथा धरी छू, लक्ष्य हर कोण में छे। जब है रात्रि पर आया बानर हकोण छे हमूल, लेकिन बानर और सुअरों लीजिए खैर ये तो हमारे घर घर है कहानी छू पर उत्तराखंड में पूरे पहाड़ में। और जो सबसे ज्यादा पीड़ित छे वो हमारे घर हमारे माँ बेड़ी छे जो है यो समस्या पीड़ित किले की सर कामों बोझ आई तले उनपर ही छो हमारे खेत बाड़ी ले उनपर ही निर्भर छू। यो तो बिल्कुल यूनिवर्सल ट्रुथ छू। तो जब हम गोनों में जानू तो ये एक बहुत ठुल दिक्कत छू, लेकिन जब अब मैं यो समझ लू की जो मैं कह तुम हूँ जब मैं वो फ्रांस ऑर्गेनाइजेशन दगे काम करना चाहिए तो मैं डीडी हाटा गोनू में रहो 2001-2002 की बात छू। और पमशार एक गौच हुआ पमशार में रहो, भातड़ में रहो, खोजी में, कन्यूरी में, यो इलाक जो छे सब यो सिंचित इलाक छे वो डीडी हाटा। और जब हम लोग वहां गयो तो वो पहल साल छी जब सुंदर उनार गोनू में उनार घरु नजदीक एगो छी। तो मैं पूछा के कारण छो, तो सब में भी ठुल जो कारण मैं देखो हुआ जो हम लोग आपन पेज जो पेपर बनाओ में लिख ले रखो, जंगलों में आग लगा एक पहल मुख्य कारण दोहर जो हमारे गोनों के आसपास कुरी झाड़ी कुरी और जो झाड़ है वो भी है। पहली हमारे बुढ़बाड़ी सब लोग जब आप गौड़ के साफ कर छी गौड़ में बीज बहुत जैसी तो वो टाइम पर भी इनार किनारा गाड़ गजारों झाड़ झाड़ ले सब लोग काट बेर उनको जगो छी। और धीरे धीरे वो एक पतले इलाक छी एक पूरे इलाक में 2-3 किलोमीटर गजर हमूल कशी साफ कर दे के लिए कि सब लोग अपना अपना काम कर छी। वीक बाद कुछ पलायन जिम्मेदार कुछ हमारे खेत पात में विमुख हो कुछ जंगलों में आग लागण के लिए कि जब जंगलों में वो टाइम पर सुअर रो छी तो शाव जो छु सुअर दिन भर अपन लीजी अपन खान ढूंढू हो जंगलों में जाची और वीक 2-4-5-6 जतुले बच्चे हो छी उनमें उनमटी 2-4 शाव कम कर दी छी। जी हेलो जी जी हेलो हेलो आवाज हो छो इंटरनेट स्लो हो गो क्या? वो तो श्रोताओं जब तक इंटरनेट जुड़ो हम आपू सब लोगों को ये बताना चाहूँ कि कुमाऊनी शब्द संपदा फेसबुक पेज पर मेर पहाड़ मेर पछाण श्रृंखला अंतर्गत आज हम बातचीत कर रहे हैं पुष्पेश त्रिपाठी जोधीगढ़। आपू पूर्व विधायक छा द्वारा हटक और राजनीतिक पछाण है ज्यादा अपने पछाण छू कि आपू अपने रीति रिवाज बोली भाषा अपन लोगों दिगड़ जुड़ी रहा। और ये बातचीत में यह श्रृंखला में यह पैनी देवेन मेवाड़ी जू, लवराज धर्मसत्य जू, डॉक्टर रेखा उप्रेती जू, भूपेश जोशी जी और विमल पुनेरा जी आ गई और एक लंबी फेरिस्त यमा आने वाली छू। और कुमाऊं अलग अलग जागों के लोग अलग अलग क्षेत्रों में जो उन्होंने नाम कमारा चाहे वो खेल हो चाहे राजनीति हो धर्म हो अलग अलग विद्वत जो छन उनके यो पेज पर लौने कोशिश हमार टीम जो एडमिन लोग छन वो कर रही। और मैं यो टीम के धन्यवाद ला देन चाहूँ कि आज उन्होंने हमको यह मौक दे। और कुमाऊनी भाषा पे हम बात कर रहे हैं तो लॉकडाउन के एक सकारात्मक पक्ष छू कि वर्चुअल दुनी में हम अपने बोली भाषा में बात कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि जो युवा पीढ़ी छू लोकगीतों के प्रति खासा आकर्षित होने हैं, हालांकि उनके एक दिशा निर्देशक जरूरत छू किले की बहुत सारे जो लोग हमार जी त्रिपाठी जी फिर जुड़ गई हमारे दिगाड़। तो हम बात करना चाहें खेतपाती
जब तो हम मैं कौन स्कूल लाग में, रहा हूँ जी। जी जब हम स्कूल में पढ़ा तो जिम कॉर्बेट के किताब में हमूल पढ़ो कि उन्होंने 1950 दशक में यो लिखा लो जी कि आने वाले टाइम में बानरों जो संख्या छ वो ये तो बढ़ेल कि आदिम मन की समाज ली सी मुश्किल पैदा जल। तो व्यवस्था तौर पे के लिए कि आप वो राजनीति है जुड़ी शख्सियत छा, तो व्यवस्था तौर पर की संभावना है सके यो बानरों और सुअरों की समस्या। बहुत जो देखो जो तू टाइम मैं तुमको एक उदाहरण देना चाहती और संदेश देना चाहती। जो लोग हमारे एल गोनोपन छन, अगर हम लोगों को जो जस्ट मेल कहो कि एक टाइम लागो 2001 में पहल बखत, और तुमने जो एक नोट कर बे कतु लोग एक जवाब ले दी सकती भी है। पहली हमारे पास सोरों समस्या नीचे के लिए कि जंगल हमार छी, हम लोग जंगलों में आग लगा नहीं दी छी। जब बटी यो जंगल सरकारा घे गई हमारे वन पंचायत, और जब बटी सरकारों बहुत ज्यादा जोर इनु में है को, तब बटी यो जंगल हमार निरा, और फिर कह के कोई इंटरेस्ट लेन है इनको बचोड़ा लीजिए। तो यो जंगल हमको हमार कम्युनिटी के हमार जनता के हमार गौनों को सौंपन पड़ाल। आज सब लोग समझदार थे, आज उस किस्मत माहौल नहीं रह गए कि सब लोग पेड़ काटनी, कुछ इलाकों में है सको, कुछ गौनों में है सको। तो इनों में एक तो आग लागण बंद करना पड़ल, कोई जानवर ले मनुष्य नजदीक रोड़ नहीं छान। और जब बटियो सुअर हमार झाड़ियों बीच में रोड़ बह गई, तो इधर देखो संख्या बढ़ते रहो, किले की अब वो दिन भर वो सुअर खा ढूंढो कहीं को जाए नहीं पड़न। वो अपन नंतिना दगे छू तो शाह वीक नंतिना का मार नहीं सकन, और रात में नजदीक में निकला जो ना उनको हमारे खेत पात नजदीक में दिखी गोनू नजदीक भी लोग उजाड़ने छू, चाहे वो गडेर पिना हमारे खत्म है कुछ गई हमार धान, जैसे धान पाकनी धान चुसबे नहीं जा। तो जतू टाइम को पहले ओण में लाग रहो 2001 बटी एक समस्या कुछ इलाकों में ऊंचाई वाले इलाकों में शुरू है, और धीरे धीरे वो बढ़ते बढ़ते हमारे तलिया गौनों में ले पुज गई। तो अब उसका टाइम उनको मत भेजण में ले लागल, धीरे धीरे हमको अपन गौनों के आसपास झाड़ी झाड़ झंकार यो खत्म करण पड़ल। धीरे धीरे सब लोगों सामूहिक रूप है कुरीक झाड़ छू भले अन्य किस्मक जो कोई कामों ने जहाँ बुझ बाज रही इनको साफ करण पड़ल, गजारा में साफ सफाई धरण पड़ल। और वी बात धीरे धीरे हमको ये कोशिश करण पड़ेल, और हमारे सरकारों के लिए यो दिशा में प्रयास करना पड़ो कि लोग यो जंगलों को अपन समझो, यो जंगलों की रक्षा करो, इनमें आग लगोना लीजिए। और दोहरा कई किस्म की बात है जो आज एक भ्रष्टाचारों का माहौल छू, जो कतु जागे यो बात है कि वन विभाग वृक्षारोपण फर्जी वृक्षारोपण कर दियो, और फिर उनको दिखोड़ा लीजिए जंगलों में आग लगे दियो। यो बात ले है कि जो हमारे लिस्ट गार्डनी लोग छे, जब वो लिस्ट समय पर पूर्ण नहीं कर पान या उनको अवैध रूप लिखा उठा सार दिनी, तो फिर वो लिस्ट को भरना लीजिए जंगलों को भरे दिनी। तो यस किस्मत जो बातचीत छे इनु अगर यस छो तो इस इमें रोक ले हमको लगाओ पड़े। जंगलों में हमारे आग नहीं लागलो, पानी के स्रोत जंगलों में बचाल, वहां हमारी जानवरों ने जी खान पीन भरपूर मात्रा में होलो, तो जानवर हमारे गौनों के नजदीक ओड़े नहीं सा प्राण उनमें ले छू। अगर हमारे जो जंगलों में जतु किस्मत फल फूल सब चीज लागनी। और हाँ यो बात जरूर छू कि जो बानरों की आबादी हमारे यहाँ बढ़ी, उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट होड़ो जतु जो फैज छू या अन्य हमारे जो अभयारण्य होड़ा फैज है, तो जो शहरी बंदरों को पकड़ बेरियो या पहाड़ में भेज देनी, उमेले हमारे सरकार का रोक लगाना पड़े। एक जो बड़ी संख्या ठुल संख्या हमारे जो सरकारों लापरवाही की वजह जो सार जान सार बंदरों को हमारे जिम कॉर्बेट छोड़ देनी या भी आगिल छोड़ देनी अन्य अभयारण्यों में छोड़ने जो सिलसिला राज्य बड़ी बाद में शुरू है रहो, उल्ला हमारे लिए बहुत बड़ी परेशानी छू। लेकिन एक टाइम लागो धीरे धीरे यो चीज कम करी जा सके। जो स्मेल को शोर समस्या निदान बहुत आसान छू कि सरकार जब करे तब करे, सरकार दगे लड़ाई जारी छू। लेकिन हमों को जो हम लोग गौनों में छे हमको शुरुआत अपन में या ने शुरुआत अपन में करना पड़े, हमको साफ सफाई धरना पड़े, वो आप ही सर जाल धीरे धीरे। और हमारे पुराण प्रधान छे हमारे गाँव को उन्होंने कर ले भी उदाहरण हमारे सामने छो, आज हमारे आसपास है खेत पात में सुंगर कम लागणो, बानरों की समस्या आई छू। बानरों लीजी जो कुछ तो हमको यो जो बिहार में छोड़ने के वाली दिक्कत छू एक तो यो, और दोहर जंगलों में उनर वो जंगलों में ही रहो उस किस्मत कुछ प्रबंध करना पड़ा। तिहर जो हमारे जो आज जहाँ चकों में गाल छे जहाँ पूर्व गोनू एक पूर्व सार छू उमें हमको जो सोलर फेंसिंग वगैरह जो यश किस्मत जो नई उपकरण से उनको अगर हम लगोनू सोलर फेंसिंग अगर हम करनू तो बानर बानरों बेर उनको बचाई जा सको। लेकिन यह हमार हमार खास तौर पर जो हमार सब है बेर फुल समस्या छू
हमर गौनुक समस्या छू, हमर माता बहनों समस्या छू, वीग लीजी आई यो सरकार एक प्राथमिकता में नहीं किले की ये लीजी वो इस तरह हम हर गौनु गौनु में चर्चा छू बात छू, हम घर बेबे गौनु में कोई मीटिंग हो उमें चर्चा है, लेकिन वहां में भ्यार आई बहुत जोरदार तरीके बिहार नहीं निकल रही। जदि यो बिहार निकल गई सरकार को एक अपन प्राथमिकता में शामिल करना पड़ो। अगर उत्तराखंड में हमारी सरकार यो सब सोचने की हमारे जो अर्थव्यवस्था मुख्य आधार छू, हमारे जो आज ठुल ठुल अफसर नानतिन बिहार जे रही, ठुल साइंटिस्ट बढ़ रही, ठुल नौकरियों में जे रही, उनर जो आजीविका रहे वो हमार पशुपालन, हमार कृषि, हमार उद्यान यो सब चीज पर आधारित रहे, हमार मनी ऑर्डर इकोनॉमी जो कही जा वो कभी नहीं रहे। तो वीक लीजिए हमको नई योजनाओं तरीके नई नीतियों तरीके को आगे बढ़ाना पड़ो। बहुत सारे लोग कमेंट करनी है, कुछ प्लान हम नहीं ले पाने। कैलाश सिंह जी लिखनी पर्यावरण संतुलन जरूरी छू, बिल्कुल जरूरी छू। शंकर जोशी जी कुमाऊनी कवि हमार लाया गई। रविंद्र सिंह राणा जी फिर लिखनी पुष्पेशदा जो हमारे गांव का परिवेश है वो राजनीति के लिए परिपक्व है, जब चुनाव होते हैं तो चुनाव हार जाता है, वो चुनाव जीतने वाले के लिए द्वेष की भावना रख लेता है, बल्कि होना ये चाहिए कि लोगों को पता होना चाहिए कि चुनाव दो या दो से अधिक लोगों के बीच नहीं, दो या दो से अधिक विचारधारा के बीच होता है, और जो विचारधारा लोगों को अपने विकास के लिए उत्तम लगे लोग उसे चुनते हैं, ना कि लोगों को चुनते हैं। मेरा सवाल है कि गांव में राजनीतिक परिपक्वता कैसे लाए जिससे सौहार्दपूर्ण माहौल बना रहे। रविंद्र सिंह राणा जी जतु मेरा अनुभव छू, मैं तो ये कहूँ कि गोपन जो पंचायत स्तरीय चुनाव होनी उनमें बहुत ज्यादा राजनीतिक विचारधारा दिखी। अचाल में प्रचलन हम ये देखने हैं कि राजनीतिक धंध मन भी लोग उनमें प्रवेश करनी, तो राजनीतिक विचारधारा उम कसी आल यो संभावना बारे में पूछ रही। देखो दो दो तीन चीज छे जहाँ गौनों जातले बात छो। अब राजनीतिक विचारधारा कम पहली बे गौ प्रधान बन एक बहुत सम्मानक बात छी, और सम्मानक बात है साथ साथ सर गौ वाल मिल बेर कोई शहर आदिम को जो हमार पढ़ी लिखी और जो समझदार और जो सर गौ लीजी एक चिंता धरो गौ लीजी भल सोचो वो सब लोग आग्रह कर छी कि आपो अलबेर प्रधान बन जाओ, तो एक भल माहौल पूर गांव गांव में बढ़ी। और यश नहीं कि लोग एक बार ने करीब पांच पांच चार चार बार बीस बीस साल तक हमारे गांवों में प्रधान रही और बड़ एक सिद्धांत उनर हो ची। आजा टाइम पर थोड़ा सा उमें कुछ दिक्कत हो जा सर पूर देश में नैतिकता में सिद्धांतों में गिरावट है गई, जहां हमारे ठुल ठुल सांसदों कोई विचारधारा नहीं रह गई, जहां हमारे विधायकों सांसद विचारधारा नहीं रह गई, जहां हमारे पार्टियों कोई विचारधारा नहीं। आज पार्टी ठुल ठुल पार्टी हमार सरकार बनोड़ा लीजी अपन ताकत सत्ता लीजी दोहर लोगों को लालच दीबेर ये इनके इन प्रकार सरकार गिरोना लीजी प्रयास करनी, उ टाइम में हम लोगों को यो चिंता तो लाजमी छू। लेकिन गौक राजनीति हमार यो राष्ट्रीय राजनीति है बेर बहुत भल छू, हालांकि इमें जो यो धड़ेबाजी तल बाखई मल बाखई वाल सिस्टम है रो उकले हम सब लोग मिलबेर स्वयं खत्म कर सको। और यह लीजिए हमको कुछ प्रयास ले करो पर मैं के एक किस्से याद छू, जब खंडूरी जी मुख्यमंत्री थे तो मैंने एक चिट्ठी उनको लिखी उस टाइम पर, मैंने कहा कि पूरे उत्तराखंड में ये आपसी हमारे जो पंचायत हमारे जो पंचायती चुनाव छे ये एक वील माहौल थोड़ा खराब है जा, ये एक वील हम लोग एक प्रयास कर सकनु कि आपो एक योजना चले दियो एक स्कीम एक घोषणा कर दियो कि जो गौनों में ले सब लोग मिल बेर निर्विरोध ग्राम प्रधान चुनाल निर्विरोध क्षेत्र पंचायत सदस्य चुनाल उन लोगों को गौक विकासा लीजी गौक कोई एक द्वि योजनाओं लीजी प्राथमिकता बजट आवंटित कराई जल और उन्होंने जवाब दे रहे हैं, लेकिन उस स्तर पर वो कार्रवाई नहीं है। तो हम अपने विधानसभा में प्रयास टाइम पर करो हम चाहे वो डबल सरकारों के छी और डबल गांव के लोगों की वो हमारे जेब नहीं छी हमारे जेब में नहीं जा रही, तो हम लोग जाने हमारे यहाँ विधानसभा में 10-15-20 जतुले गौनों में निर्विरोध लोगों मिल बेर प्रधान बढ़ाए परिस्थिति जेलर आए ना, तो उन लोगों को हम अलग से कुछ बजट एक व्यवस्था दे और एक माहौल जो बनाने की कोशिश करी उस टाइम पर, और फिर आगे बातचीत बढ़ो लोगों में तालमेल बढ़ो। और वीक फर्क यो पड़ो जहाँ पहल साल पहल चुनाव में वो 8 या 10 लोग अच्छी दोहर चुनाव में वो बड़े कुछ संख्या उन्हें बढ़ी, और यो माहौल अगर हम बढ़ाओ और हम लोग स्वयं प्रयास करूं गौनों में बैठ बेर और देखे कि आज जब हम लोग यो प्रश्न कर लो और जब हम सब लोग यो महसूस कर रहे हो कि यो पंचायतों चुनाव वील हमार गौनों का माहौल खराब हो रहा, तो कह न कह हम लीजिए प्रयास करने से अब हम खुदे
झगड़ नहीं कर लो, हम खुद ही प्रयास करो कि एक केवल जो प्रधानों का बजट हो और एक ईमानदार आदमी को जो गांव में हम सब लोग व्यक्तिगत रूप से एक दोहरे चूल्हे की रोट जानू गांव भतीर, तो यह हम सब लोग समझ सकते कि को एल प्रधानो लायक छू, सब लोग मिलकर एक जगह आग्रह करो, बातचीत करो और सब लोग एक तरफा उतरफ न जाओ, तो एक आध लोग जो यश किस्मत रोल ले वो आप ही किना रह जा और गांव माहौल ले भल हो, यो सब यो प्रयास हमको करण पड़ो, एक माहौल तो बनोरे पड़ो। जी यो बात बहुत सही छू कि हमको एक सच्चाई और एक झूठक जो अलग अलग पक्ष छन वो एक पक्ष में तो ठाड़ रोन पड़ल, और जब हम सामूहिक रूपल कोई भल चीज का सहारा दो ना तो वो अगिल बढ़े। कुछ समाज के लिए मैं कमी मानू कि जो भल काम करूं वो अक्सर पैसों में या संसाधनों में कम हूं तो वो पछल रह जा। यह जो प्रवृत्ति छे यह हमको तोड़न पड़ल, हमको वो आदम का अगिल बढ़ान पड़ल जो हमारे लिए सोचो, समाज लिए सोचो, चाहे वो कोई राजनीतिक दलक हो। राजनीतिक विचारधारा बाधक चीज छू, पैनी हमको इंसान बनन पड़ल, और पंचायती स्तर पर जो निचली राजनीति जहाँ पे शुरू है वहां सबसे पैनी राजनीतिक विचारधारा है पैनी जरूरी छू कि हम जनता के दुख के दर्द के सोचो उके अभिव्यक्त करूं, विलीजी काम कर सकने क्षमता धरू। लेकिन हुन्नी ना कि हम ठेकेदारी के और तमाम तरह का जो व्यवसाय छन उन को प्राथमिकता मनबे राजनीति में अखिलने, तो हमर कर्तव्य छ कि यह साधे माधिकार ठाड़ रोन पड़ल जो समाज लीजी सोचो। अगिल प्रश्न हम आपूदे करन चाहूं कि अचानक लॉकडाउन चल रहा और यो एक ऐतिहासिक टाइम से पूरी दुनिया लीजी, हमार जो प्रवासी भाई बहनी छन वो मजबूरी में अपन रोजी रोटी है हाथ धबेर पूर्व कुमाऊं के अलग अलग हिस्सों में आई, तो की हाल छन की मंजर छन अपन वहाँ दोरहाट विधानसभा में? हाँ, कोरोना बीमारी अब जसलो छू परिस्थिति में, लेकिन एक जो हमार सरकारों को यो आईना जरूर यो बीमारी दिखे है, जेक लीजिए हम लोग प्रयास कर छे हमार नदी नदियों को गाड़ गधियारों को साफ करने की जो बात करने छे वो सब प्रकृति लाफी साफ करे ही, पानी शुद्ध है को गंगा साफ है की यमुना साफ है की हमारे जो करोड़ों अरबों रुपया हमारे सरकारों हर साल बजट में धरची और उसके साफ है जैसी बगैर नदी में लाग गए वो पत्त चल गो की कच्ची साफ हनी दोहर जो गौनो खाल छे गौ हमार भरी पूरी है गई सब गौनों में नन नंतिन नाती पत आम बुब जतुले भ्यार छी जो परिस्थितियों में ले छी एल हर परिवार भरी पूरी या रोड़ो। अब जो हमारे आर्थिक दिक्कत छे वीक लीजी जो चिंता सब लोगों को करण छे हर ले रहे वीक लीजी एक सही प्रयास करने की जरूरत छू और यो सब चीज हमेशा हमेशा लीजी ठीक ले है सके कोई यो किस्मत दिक्कत है हमारे जो आर्थिकी लीजी लोग ध्यान नहीं दे छी उन सब चीजों को ठीक करना जी हम लोगों को प्रयास करना पड़ोल सरकारों के लिए सोचना पड़ोल कि जो आज तक हम सब लोग राज्य बनी 20 सालों में कागजों में हम योजनाओं को चला उनको धरातल पर कसी चलो कसी लागू करो और सरकार के हाथ खुद जोड़ बेर जो आज हमारे ब्लॉक स्तर में इस तरह कर्मचारी बे लीबेर हमारे पूरे प्रदेश इस तरह सचिवालय इस तरह लोग छे उन लोगों को सौभाग्य करते हुए अपन सौभाग्य मानते हुए हमार जनता है यो आग्रह करो पड़ल उनको हमारी योजनाओं जानकारी उन दगे पुजवन पड़ेल और उन दगे कॉपरेट कर कोऑपरेट करते हुए उनको योजनाओं का लाभ दिलोना लीजिए जो आज तक का एक जो माहौल इन्होंने बने राखी तैयार लीजिए यश करुल म्योर के कर ले वाले हिसाब जो हमारे सरकारी दफ्तरों में बैठी हुई लोगों ने बने राखो वो माहौल को खत्म कर वीर धरातल पर वो योजनाएं येन केन प्रकारे लागू है सको और उधर जो कमियां छे जो लोग हमारे गांव गाड़ों के लोग जानकार सब छे वो जानकार जो हमारे बिहार में लोग होनी और योजनाओं में तमाम किस्म के नियमों को बतानी वो नियमों को ठीक कर बेर जो गलत छे उनको ठीक कर बेर लागू करना पड़ो हमारे आर्थिकी ले बेहतर है सके और धीरे धीरे एक नई शुरुआत जो मौक हमको मिल रहा वो शुरुआत करना लीजिए थोड़ा धैर्य हमारे वो नौजवानों को ले धरना पड़ो
उनको याद करो पड़ोल आपन कोरोना समय में जो परिस्थितियां उनूल बम्बई में दिल्ली में बेंगलोर में जतु महानगरों में वो गई जोश किस्मोक माहौल में वो पिछले लंब टाइम में रेबेर घुट घुट बेर जिए थी ठीक छो उनको कुछ आर्थिक रूपेल वहां पर छोट मोट काम कर बेर उनको जे जोश किस्मोक ले जो ले मिलन हो वो यहाँ ले आप घर में रेबेर वो बेहतर कर सकनी जी हरिद्वार बटी हमारे कवि छन विनोद पंत जी लिखनी की पलायन रोकने लीजिए की कारगर उपाय है सकनी आम लोग की कर सकनी बानर सुअर वगैरह वगैरह तो ये सब वही बात चल रहा है कि कसी हम पलायन कर रोक सकू जी आप बातचीत जारी धरो त्रिपाठी जी। देखो पलायन रोकने लीजिए जो हमर कुछ हमर जो जहाँ हमर नीतियां जिम्मेदार थे सरकार उनर खिलाफ हमको ठाड़ते हड़े पड़े उनर लीजी जो हम हमार पहल पीढ़ी हमार यो राज्य राज्य को बढ़ोना लीजी एक बहुत लंब संघर्ष करो आज उतु लंब संघर्ष करने जरूरत नहीं आज हमारे पास बहुत सारे हथियार छे सोशल मीडिया में लीवे तमाम सार चीजें छे जो हमार जानकारी छू उनको हमको लोगों सामने ले लेन पड़ल और वीक लीजी फिलहाल हाल फिलहाल में जो खास तौर पर हमारे जो पर्वतीय क्षेत्र छे उना लीजिए हमारे दिमाग में दो तीन चीज जरूर हो चेनी कि शुरुआती दौर में यो बहुत ठुल दिक्कत छू लेकिन आते आते जो एक टाइम पर हिमाचल जो राज्यों हमार दक्षिण भारतीय भारतीय राज्यों जो जस किस्मत अपन पर्वतीय क्षेत्रों लीजिए जो योजनाओं को लॉन्ग टर्म लंबे समय लीजिए जिन योजनाओं को लागू करो उनर लीजिए हमको थोड़ा प्रयास शुरू करना पड़ा और साथ ही साथ यो एकदम से बहुत किले की हमारे जो खास तौर पर पर्वतीय उत्पाद है हम बात सब मंचों पे कर लू हम सब लोग बात कर लू लेकिन धरातल पर उन्हें लीजिए काम जो आज ऑर्गेनिक उत्पादों की बात छू की उनकी बहुत वीक बहुत फुल मार्केट हमारे देश में ले छू और देश है बिहार ले छू वो मार्केट तो छू लेकिन वो मार्केट में हम कशी पूजो यह सवाल बहुत महत्वपूर्ण छू हम अपने उत्पाद को उन बाजारों में कशी पूजो यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल छू और यह ना सच्चाई छू कि हमारे सरकारों यह दिशा में यो एक उदाहरण कोनू कि कोई काम नहीं कर रहा वीक लीजी हमको आपन जाग में आपन स्तर खुद ले प्रयास करना पड़ा और सरकारों कले ध्यान यो चीज में एक पुरजोर ढंगल पुर ताकतल उठोड़ पड़ोल कि यह हमार समस्या हमार रोजगार समाधान है सकनी दूसर बात जो हम सब लोग कोनू की पहाड़ में बहुत सारे हमारे जो गवर्नमेंट रिटायर्ड लोग छे चाहे वो फौज बटी रिटायर है रो रही चाहे वो हमारे शिक्षा विभाग में रिटायर है रहनी एक बड़ी ठुल संख्या उन्नर ले छू हमारे गौनो बटी पलायन करने उनको गौनो में कुछ तो हमारे समस्या छने से जो पहली समाधान नहीं हो लेकिन आज समय में धीरे धीरे सरकार जो नीति छे उनर वील उनोल स्वास्थ्य दिक्कतों वील नंतिना के आखिल भल पड़ोड़ा लीजी जो यो स्वास्थ्य और शिक्षा लीजिए नंतिना शिक्षा लीजिए और पलायन छू ये लीजिए ले हमारे सरकार को विशेष रूप से ध्यान देने की बहुत जरूरत छू और छात्र शिक्षा सवाल छू से कैलाश सिंह जी लिखनी पुष्पेश जी उत्तराखंड में विकास और रोजगार सिर्फ सिटकुल तक सीमित छू असली पहाड़ कहाँ छू सरकार नजर में या बर में अपूचा ये हुई सब बातचीत होना है कि स्वरोजगार कसी है सको और विली जी सरकार की कर सकते हैं यही सब बातचीत सुने और किले की बखत हमेशा इशारा करूं कि बातचीत करो कि जो लगभग 1.5 घंटे में हम ये बातचीत कर रहे हैं और अब हम समापना और जानू त्रिपाठी जी कोई ये बात जो आपको कौन चाचा और हम न पूछ पाए आप उठे नहीं लगभग लगभग हमारा जो जस किस्म का माहौल चल रहा वो हिसाब हम मोटमोट लगभग सब बातचीत हम करी पलायन पर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में पूरा दौर कुछ बातचीत कुछ व्यक्तिगत बातचीत हम करी मैं केवल इतको कौन चाहू कि एक तो ये जो भाषा और हमार संस्कृति लीजिए आप अपन लोग जो प्रयास करना चाहो वो बहुत भल छू और यो कोशिश ले है सके कि मैं जो हमार एक तरीके लिजेंड रह गई हमार लिविंग फॉसिल हम लोग कोनो एक टर्म छू तो जो हमार लोग गायक छे आज दोहर पीढ़ी में वो विधा बहुत कम ट्रांसफर है रहे वीक लीजिए हमको सरकारी स्तर पर बले कुछ प्रयास करो पड़ोल और मैं समझ लू हमारे लगभग सब बातचीत है गई और ये बहुत भल प्रयास हमार आप सब लोगों हेमपंत जी आप सब लोगों को तरफ जो लोग ले हमारी ग्रुप में जुड़ी छे वो सब लोगों
बहुत बहुत धन्यवाद ले करनू की यो चर्चा तो मुले एक चले राखी और हमर भाषा के साथ साथ यो उत्तराखंडा परिपेक्ष में जो हमर समस्याएं छे उले हमर सब लोगों के सामने जानी अले जो सिटकुल वाल बात के यही इन्हीं यही चीजों लीजिए और राज्य बनवा उद्देश्य छी कि यो सब चीज पूरे उत्तराखंड जो हमर 95 ब्लॉकों को उत्तराखंड छू हर ब्लॉक में हम कुछ ना कुछ नई चीजों को स्थापित करो नई चीजों को वहां पर बढ़ो चाहे शिक्षा क्षेत्र में हो चाहे स्वास्थ्य क्षेत्र में हो बहुत ठुल उद्योग अगर हमारे नहीं लाग सकन पूर्व भी हम हरी साहु जी दगे में बातचीत करण छी उनर काफी लोग छी उमे कांग्रेस तो मैं एक बात कहूं हूँ देखो और सब चीज अगर हम छोड़ ले दू फिलहाल हाल फिलहाल दौर में कांग्रेस अधिकांश लोग लीसा उद्योग बटी बहुत पहली कबे जुड़ी छे और लीसा काम लीसा जो कामेल जुड़ी छे उको हम उद्योग दर्ज आज तले नहीं दी पाए उत्तर प्रदेश समय में सब हेबेर ज्यादा लीस उत्तराखंड में जे छी और उम्बेले सब हेबेर ज्यादा लीसक जो प्रतिशत छू अलमार जिले में छू और यो लीस पुर्जा हमारे आंध्र प्रदेश हम लोग 20 वर्षों में यो प्रयास नहीं कर पाए जो लीस हमारे यहाँ पे आंध्र प्रदेश जहाँ वीक एक फैक्ट्री सिटकुल में ही सही सिटकुल में ले अगर हम लगे सको तो जो हमारे यो सर कारोबार छू लिसक उमे कत्तु लोगों को या रोजगार ले मिलची और जो 150 किस्म प्रोडक्ट है हमारे लिसल बर्नी आज जदु चीज हम देख लो 150 किस्म 150 करीब करीब प्रोडक्ट एक लिसल हमार बर्नी और आज लिस हमारे एक बहुत आज जो चीड़ा जंगल छो हमारे समस्या ले छे गोनो में हम जब उनको उद्योग रूप में उद्योगक रूप में आगे बढ़ा लो तो एक बहुत फुल माध्यम है सो हमारे सरकार के राजस्व प्राप्ति के लिए और हमारे रोजगारों के माध्यम लिए एक उदाहरण मेल दे खैर बहुत बहुत लागो नीरज जी तुम्हारे बातचीत कर बे और आगे लाहले जो किस्म को हमको ले गाइड करिया भाषा वगैरह ये जो सब चीज तुम काम कर सा हमारे लिए बहुत ज्यादा इमें कुछ उतु ज्ञान यो विधा में है लेकिन हम आखिर कोशिश करूं जेले हमार संस्कृति हमार भाषा आखिल बहुना लीजिए हम सब लोग मिलकर काम कर सकूं तो हम लोग जरूर प्रयास करो धन्यवाद तो पुष्पेश त्रिपाठी जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद मेरे पहाड़ मेरे पछाण श्रृंखला के अंतर्गत आज हम आपको दिगर बातचीत करना चाह और लोक भाषा लोक गीत रीति रिवाज अपन बचपन अपन जवानी अपन राजनीतिक संकल्प और की हुन चयन कर सकूं ये सब बातों के समेटते हुए आप बात करें और ब्यावर टाइम छू और ब्यावर टाइम में गिरदा की एक कविता छू कि साग क्या छोका है गो में का है तो साग बनाने टाइम सबो खरे नील हम उन सबो के रोक रहा आप जतुले श्रोता दर्शक यो पेज पे होना छा हम कौन चाहू कि जो कुमाऊनी भाषा संपदा यो पेज छू यो आप सब लोगों पेज छू आप सुझाव दिया हम की कर सकू और कोई YouTube चैनल कोई Facebook पेज या इंटरनेट पे तमाम जो संस्थान छन उनको सब्सक्राइब करना ज्यादा जरूरी छ कि हम भाषा का सब्सक्राइब करूं और हम उम्मीद करूं कि आपू यह सब जरूर करला आपू सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद नमस्कार।